ये पीजीवीपी का रिवीजन का पार्ट टू है। पार्ट वन अगर आपने नहीं देखा हो तो उसको देख के आ जाना, ये उसके कंटिन्यूएशन में है। टेलीग्राम ग्रुप का आपने ज्वाइन नहीं करा तो टेलीग्राम ग्रुप के लिंक डिस्क्रिप्शन में है। अच्छा, विदाउट वेस्टिंग योर टाइम, सबसे पहले अपन स्टार्ट करते हैं सेक्शन 35 एडी जो अपन ने छोड़ा था पिछले पिछले लेक्चर में, राइट। देखो, मैंने आपको बताया था सरकार को अगर कुछ भी चीज प्रमोट करनी होती है तो बेसिकली क्या कर देती है, वो बेसिकली अपने को इंसेंटिव दे देती है। तो सरकार को कुछ 14 तरह के बिजनेसेस, 14 तरह के बिजनेसेस को प्रमोट करना था। कौन कौन से 14 तरह के बिजनेसेस हैं वो देखना। देखो, एक तो है कोल्ड चेन फैसिलिटीज। कोल्ड चेन फैसिलिटीज का मतलब है कि अपने जो फ्रिज होते हैं ना, फ्रिज के अंदर जहां पर अपन क्या कर सकते हैं, फूड को स्टोर करके रख सकते हैं ताकि फार्मर्स का जो प्रोडक्ट है वो क्या हो, वेस्ट ना हो। फार्मर्स इतनी मेहनत करके क्या करते हैं, ग्रीन्स प्रोड्यूस करते हैं। अच्छा, कुछ कुछ ऐसी चीजें होती है जिनको क्या करना पड़ता है, ठंडक की जरूरत पड़ती है। तो सरकार ने कहा कि भाई अगर आप एक कोल्ड चेन फैसिलिटीज का बिजनेस कर रहे हो, ऑलराइट, कोल्ड चेन फैसिलिटीज का अगर आप क्या कर रहे हो, बिजनेस कर रहे हो, तो हम आपको जो है इंसेंटिव देंगे। उसके अलावा देखना वेयरहाउसिंग फैसिलिटी फॉर द स्टोरेज ऑफ शुगर, ठीक है। तो सरकार के एग्रीकल्चर प्रोड्यूस को स्टोर करने के लिए हमें वेयरहाउसेस की जरूरत पड़ेगी। तो सरकार ने कहा कि भाई ठीक है, कोई भी अगर बिजनेस कर रहा है किसका, वेयरहाउसिंग फॉर स्टोरेज ऑफ एग्रीकल्चर प्रोड्यूस, तो उसको हम इंसेंटिव देंगे। इसी तरह से वेयरहाउसिंग फैसिलिटी फॉर द स्टोरेज ऑफ शुगर, वेयरहाउसिंग फैसिलिटी फॉर द स्टोरेज ऑफ शुगर की बात करी इन लोगों ने। फिर इसने कहा कि भाई अगर आप क्या कर रहे हो, होटल खोल रहे हो फॉर एटलीस्ट 2 स्टार कैटेगरी, ठीक है, आपने होटल खोल लिया कहीं पे भी इंडिया में कहीं पे भी एटलीस्ट 2 स्टार कैटेगरी का। अच्छा, आपने कोई हॉस्पिटल खोल लिया जिसमें एटलीस्ट 100 बेड्स हैं, ठीक है, ताकि पेशेंट्स को ट्रीटमेंट मिल सके। फिर सरकार ने कहा कि अगर आप क्या कर रहे हो, हाउसिंग प्रोजेक्ट लगा रहे हो अंडर द स्कीम फॉर स्लम रीडेवलपमेंट या रिहेबिलिटेशन, या फिर हाउसिंग प्रोजेक्ट अंडर नोटिफाइड स्कीम फॉर अफोर्डेबल हाउसिंग। सरकार ने कहा कि अगर आप क्या कर रहे हो, हाउसिंग प्रोजेक्ट लगाते हो, तो हम आपको इंसेंटिव देंगे। इसके अलावा फिर सरकार ने कहा प्रोडक्शन ऑफ फर्टिलाइजर इन इंडिया, ICD, इनलैंड कंटेनर डिपो क्या है, इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट के लिए बेसिकली एक तरह का वेयरहाउस की तरह काम करता है। कंटेनर फ्रेट स्टेशन हो गया, राइट। फिर बी कीपिंग कर रहे हो आप, या प्रोडक्शन ऑफ हनी एंड बी वैक्स, स्लरी पाइपलाइन फॉर ट्रांसपोर्टेशन ऑफ आयरन ओर, आप पाइपलाइन लगा रहे हो जिससे कि क्या हो, आयरन ओर ट्रांसपोर्ट हो। फिर सेमीकंडक्टर वेफर फैब्रिकेशन मैन्युफैक्चरिंग यूनिट, तो बहुत सी टेक्नोलॉजिकल इक्विपमेंट्स होते हैं जहां पर ये क्या लगता है, सेमीकंडक्टर की रिक्वायरमेंट होती है। फिर सरकार ने कहा डेवलपिंग मेंटेनिंग एंड ऑपरेटिंग न्यू इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटी। इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटी का मतलब है रोड हो गए, ब्रिज हो गए। इस तरह से अगर आप कोई बिजनेस कर रहे हो तो सरकार आपको इंसेंटिव देने की कोशिश करेगी। अच्छा, एक और है क्रॉस कंट्री नेचुरल गैस या फिर क्रूड या फिर पेट्रोलियम ऑयल पाइपलाइन नेटवर्क फॉर डिस्ट्रीब्यूशन इंक्लूडिंग स्टोरेज फैसिलिटीज बीइंग एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ सच नेटवर्क। मतलब बेसिकली आप क्या कर रहे हो, पूरे इंडिया में पाइपलाइन लगा रहे हो ताकि क्या हो, क्रूड नेचुरल गैस या फिर पेट्रोलियम ऑयल ट्रांसपोर्ट हो सके। तो बेसिकली ये जो है 14 तरह के बिजनेसेस हैं। अगर आप ये 14 तरह के बिजनेसेस करते हो, चालू करते हो, तो सरकार आपको कुछ इंसेंटिव देगी, और वो इंसेंटिव क्या है वो देखना। तो सरकार ने कहा कि भाई हम आपको क्या करेंगे, हम आपको बेसिकली 100% कैपिटल एक्सपेंडिचर का क्या करेंगे, डिडक्शन दे देंगे। तो मैंने आपको पहले भी चीजें समझाई थी एडिशनल डिप्रिसिएशन करते समय कि आगे अपन कुछ ऐसी चीजें पढ़ेंगे जहां पर अगर कोई अपन कंडीशन फुलफिल कर देते हैं तो उससे होगा क्या कि भाई सरकार अपने को कुछ इंसेंटिव देगी, और वो इंसेंटिव में एक इंसेंटिव क्या है कि जो भी आप कैपिटल नेचर का खर्चा करोगे 100% डिडक्शन आप करंट ईयर में क्लेम कर सकते हो। तो सरकार ने कहा कि अगर आप ये 14 तरह के बिजनेसेस कर रहे हो तो जो भी आप कैपिटल एक्सपेंडिचर एम आई लैगिंग नो, ठीक है, तो जो भी आप कैपिटल एक्सपेंडिचर के नेचर के एक्सपेंसिस करते हो उसका 100% डिडक्शन आपको करंट ईयर में मिल जाएगा, ठीक है। तो अगर आप 10 करोड़ की मशीन लेके आए तो डेप्रिसिएशन 10 साल के लिए 10 साल लेने की जरूरत नहीं है आपको। आपको क्या करना पड़ेगा, करंट ईयर में आप उसका डिडक्शन ले सकते हो, आपको फायदा होगा ना, आपका प्रॉफिट कम होगा, आपको कम टैक्स पे करना पड़ेगा। लेकिन ध्यान रखना लैंड गुडविल और फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट का आपको जो है बेसिकली रिडक्शन नहीं मिलेगा, इजी है। फिर देखना जो आप ऐसे खरीद के लेके आए वो आपको जो है 8 साल के लिए इसी स्पेसिफाइड बिजनेस के लिए यूज करने पड़ेंगे। फिर आगे बढ़ते हैं, देखो अगर आपने स्पेसिफाइड बिजनेस एसेट को ट्रांसफर कर दिया, भाई बेसिकली अब आप खरीद के लेके आए, सरकार ने आपको 100% रिडक्शन दे दिया, आपने टैक्स बचा लिया, बाद में जाके आप सरकार को टोपी बनाते हो, आप ये एसेट को बेच देते हो, तो सरकार ने कहा जितने भी आप ऐसे बेचोगे वो आपकी इनकम मानी जाएगी, उस पर आपको टैक्स पे करना पड़ेगा। तो अगर आपने स्पेसिफाइड बिजनेस एसेट को ट्रांसफर कर दिया तो जो भी आपको पैसा मिला है वो आपको क्या करना पड़ेगा, टैक्सेबल हो जाएगा अंडर पीजीईपी। तो आपको एक पॉइंट समझाता हूँ, पेज नंबर 1, देखो इनकम चार्जेबल अंडर द हेड पीजीईपी में अपन ने सबसे पहले तो देखा था कि भाई इनकम फ्रॉम पीजीईपी, जो भी बिजनेस से इनकम होती है वो कहाँ टैक्सेबल होती है, पीजीईपी के अंदर होती है। इसका एक और पॉइंट देखोगे आप, देखो ये रहा, सम रिसीव ऑन अकाउंट ऑफ कैपिटलाइजर रिफर्ड अंडर 35AD। तो 35AD में यही है ना कि 14 तरह के बिजनेसेस मैं कर रहा हूँ, उसके मैंने कोई एसेट बेच दिया तो जो भी पैसा मिलता है वो कहाँ टैक्सेबल हो जाएगा, पीजीईपी के अंदर टैक्सेबल हो जाएगा। तो ये अपने को इधर भी ध्यान रखना है, ऑलराइट। तो इसी तरह से बहुत सारे पॉइंट्स आपके ऐसे ही कवर हो जाएंगे इस टॉपिक के जो इनकम चार्जेबल अंडर द हेड पीजीईपी हैं। अपन कहाँ थे, 35AD पे थे, 35AD तेरा। अच्छा, एक और चीज समझना, आपने क्या करा, कैश पेमेंट कर दिया। सरकार देखो बेसिकली डिजिटल इकोनॉमी को प्रमोट करना चाहती है, एम आई लैगिंग, सरकार बेसिकली डिजिटल इकोनॉमी को प्रमोट करना चाहती है। इसका मतलब क्या है कि सरकार कहती है कि आप कैश में ट्रांजेक्शन मत करो,
अच्छा इसका लॉजिक क्या है वो अपन सेक्शन 40A3 पढ़ेंगे आगे, जब मैं आपको लॉजिक भी समझाऊंगा। अभी के लिए आप इतना ध्यान रखो कि अगर आप कैश पेमेंट कर देते हो 10,000 से ज्यादा का इन अ डे तो एलिजिबल फॉर डिडक्शन नहीं होगा। इसका मतलब क्या है कि भाई अगर आप 10 करोड़ की मशीन ही खरीद के लेके आए और आपने 10 करोड़ कैश में दे दिए सामने वाले बंदे को तो आपको जो है डिडक्शन नहीं मिलेगा। लॉजिक अपन आगे पढ़ेंगे सेक्शन 40A3 में कि भाई अब कैशलेस ट्रांजेक्शन सरकार क्यों चाहती है। फिर एक और चीज समझना, सरकार कहती है कि अगर आपने क्या करा है एक्सपेंडिचर करा है बिजनेस को चालू करने से पहले तो भी हम आपको डिडक्शन देंगे, बस कंडीशन ये है कि बिजनेस चालू करा आपने उस समय क्या करो अपने बुक्स में अपनी किताबों में उस एसेट को एज ए कैपिटल एसेट मान के ट्रीट कर देना। ठीक है, तो आपने क्या करा बिजनेस चालू करने से पहले कोई कैपिटल एक्सपेंडिचर कर दिया, सरकार कहती है जब बिजनेस चालू करोगे उस समय क्या करो आप इसको कैपिटल एसेट मान लो और इसका 100% डिडक्शन ले लो। देखो क्या दे रखा है, एक्सपेंडिचर इनकर्ड प्रायर टू द कमेंसमेंट ऑफ ऑपरेशन वुड बी अलाउड एज डिडक्शन ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर इन विच द एसएससी कमेंसेस द ऑपरेशन ऑफ बिजनेस। कंडीशन क्या है कि आपको उसको कैपिटलाइज करना पड़ेगा अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट्स में ऑन द डेट ऑफ कमेंसमेंट ऑफ ऑपरेशंस। इजी है। अच्छा ये पॉइंट नंबर 7 आपको बाद में समझ में आएगा कि भाई 35AD 10AA चैप्टर 6A अंडर द हेडिंग सी डिडक्शन कैन बी क्लेम। तो अगर आपने ऑलरेडी क्लासेस ले रखी है तो आपको समझ में आ जाएगा कि भाई 35AD 10AA और चैप्टर 6A अंडर द हेडिंग सी डिडक्शन में तीनों में से आप एक ही क्लेम कर सकते हो, आप एक बिजनेस के लिए तीनों चीज क्लेम नहीं कर सकते। और ठीक है अगर आपने रिवीजन पहले नहीं कर रखा कभी तो अपन ये सारे सेक्शन बाद में पढ़ेंगे। 35AD मैंने आपको बता दिया, 35AD तो अपन पढ़ ही रहे हैं, 10AA हो गया और चैप्टर 6A अंडर द हेडिंग सी डिडक्शन अपन बाद में रिवीजन वीडियोस में कवर करेंगे। तो अभी के लिए आपको इतना ध्यान रखना है कि एक बिजनेस में आपको तीन तीन बेनिफिट्स नहीं मिल सकते ना, सीधी सी बात है कि 35AD 10AA और चैप्टर 6A अंडर द हेडिंग सी डिडक्शन में सरकार कहती है कि आप एक ही डिडक्शन क्लेम कर सकते हो। ऑलराइट, अच्छा एक और चीज समझना। ऑलराइट देखो अब अपन नेक्स्ट टॉपिक करने जा रहे हैं वो ये है कि देखो जो 35AD का बिजनेस लॉस है ना उसको आप क्या कर सकते हो, सेट ऑफ कर सकते हो ओनली फ्रॉम द प्रॉफिट ऑफ स्पेसिफाइड बिजनेस। तो अगर फॉर एग्जांपल आपका क्या होता है कि कोल्ड चेन फैसिलिटी से इस बिजनेस से क्या हो जाता है आपको लॉस होता है, इस बिजनेस से लॉस होता है तो सरकार कहती है कि जो 35AD का बिजनेस लॉस है उसको आप सेट ऑफ कर सकते हो ओनली फ्रॉम द प्रॉफिट ऑफ स्पेसिफाइड बिजनेस, जो ये दे रखे हैं अपन को। ठीक है, अच्छा 35AD के बिजनेस लॉस को आप नॉर्मल बिजनेस लॉस से सेट ऑफ नहीं कर सकते। अपन ने क्या पढ़ रखा था कि भाई जो नॉर्मल बिजनेस लॉस होता है वो क्या होता है 8 साल के लिए कैरी फॉरवर्ड हो सकता है और उसको आप जो है फ्यूचर में अगर बिजनेस के कोई भी बिजनेस से इनकम होती तो आप सेट ऑफ कर सकते हो, लेकिन 35AD में रिस्ट्रिक्शन लगा दिया कि भाई 35AD के बिजनेस लॉस को हम सेट ऑफ कर सकते हैं ओनली फ्रॉम द प्रॉफिट ऑफ स्पेसिफाइड बिजनेस, जो कि ये रहे। ठीक है, आपको कहानी समझ में आई। अच्छा एक और चीज देखना, तो लॉस ऑफ 35AD का बिजनेस कैन बी सेट ऑफ ओनली अगेंस्ट द प्रॉफिट ऑफ 35AD का बिजनेस इरिस्पेक्टिव ऑफ वेदर द लेटर इज एलिजिबल फॉर डिडक्शन ऑफ 35AD। इसका मतलब क्या है, देखो एग्जांपल समझते हैं। आप एक हॉस्पिटल चला रहे हो, अच्छा हॉस्पिटल कौन सा चला रहे हो, 100 बेड वाला हॉस्पिटल चला रहे हो। आप एक हॉस्पिटल चला रहे हो जिसका 100 बेड है, राइट। अच्छा आप एक दूसरा होटल चला रहे हो, ठीक है, जिसमें 1-स्टार कैटेगरी का होटल है। ठीक है, तो आप एक दूसरा होटल चला रहे हो जो 1-स्टार कैटेगरी का होटल है। अब सवाल आता है कि क्या जो ये हॉस्पिटल का लॉस है इसको मैं होटल के लॉस से सेट ऑफ कर सकता हूँ क्या? तो मैंने आपको एक चीज बताई थी कि 35AD के बिजनेस लॉस को अपन क्या कर सकते हैं, सेट ऑफ कर सकते हैं ओनली फ्रॉम द बिजनेस ऑफ 35AD। ठीक है, तो मुझे ये बताओ कि जो मैं ये होटल चला रहा हूँ, क्या ये 35AD के बिजनेस में आ रहा है? बिल्कुल आ रहा है। क्या जो मैं होटल 1-स्टार कैटेगरी का चला रहा हूँ वो क्या 35AD का बिजनेस में आता है? बिल्कुल आता है, क्योंकि 35AD के बिजनेस में उन लोगों ने कहा कि भाई आप होटल चलाओ, लेकिन उसमें क्या कंडीशन दे रखी है, 2-स्टार कैटेगरी होना चाहिए, लेकिन अपना क्या है 1-स्टार कैटेगरी का है। लेकिन सरकार ने एक दिन एक चीज कह दी कि भाई आप सेट ऑफ कर सकते हो इरिस्पेक्टिव वेदर द लेटर इज एलिजिबल फॉर डिडक्शन अंडर 35AD। मतलब जो दूसरा बिजनेस है वो भले ही 35AD के अंदर एलिजिबल नहीं है, लेकिन अगर 35AD के बिजनेस में फॉल कर रहा है तो आप सेट ऑफ कर सकते हो। कहानी समझ में आ गई ना, अगर नहीं समझ में आई तो रिमाइंड करके वापस सुन लेना इसको। तो इन लोगों ने बस वही कह रखा है कि भाई मैं एक हॉस्पिटल चला रहा हूँ जो 200 बेड्स की कैपेसिटी को होल्ड करता है, तो मुझे 35AD का डिडक्शन तो मिल जाएगा। अच्छा मेरे पास दूसरा होटल है, मेरे पास दूसरा होटल है जो 1-स्टार कैटेगरी का है, तो क्या ये 35AD का डिडक्शन इसमें मिलेगा? नहीं मिलेगा। लेकिन क्या ये 35AD के बिजनेस में फॉल करता है? बिल्कुल करता है, क्योंकि 35AD मुझे बोलता है आप होटल चलाओ, लेकिन बस डिडक्शन लेने के लिए वो कहता है कि 2-स्टार कैटेगरी होना चाहिए, मेरे पास क्या है 1-स्टार कैटेगरी है। तो मैं क्या सेटअप कर सकता हूँ इसके लॉस को इससे प्रॉफिट से? सरकार ने कहा आप कर सकते हो। क्यों कर सकते हो? क्योंकि सरकार ने खुद ही दिया कि भाई इरिस्पेक्टिव वेदर द लेटर इज एलिजिबल फॉर डिडक्शन ऑफ 35AD। ठीक है, कहानी समझ में आई। अच्छा एक और चीज समझना, आपने क्या करा एक होटल खोल लिया, आपने मजे मजे में एक होटल खोल लिया कि भाई यार सरकार बेनिफिट दे रही है अपन तो होटल खोलते हैं, मजे मस्त पैसा कमाएंगे, पैसा ही पैसा होगा जिंदगी में। लेकिन आप समझना, आपने होटल तो खोल लिया और होटल कहाँ खोला? मुंबई में ताज होटल के जस्ट बाजू में खोल लिया होटल। अब आपकी बैंड बज चुकी है बाद में, क्योंकि आपसे जो है होटल ऑपरेट नहीं हो पा रहा। तो आपने क्या करा, आप क्या कर रहे हो बेसिकली, आपने जो होटल का ऑपरेशन है वो आपने किसी और को ट्रांसफर कर दिया, राइट। तो देखो आपने क्या करा, एक होटल बनाया उसके ऑपरेशन को ट्रांसफर कर दिया, लेकिन अभी भी होटल आपके पास ही है। ठीक है, तो बस बेसिकली होटल आप ओन करते हो, आपने क्या करा ट्रांसफर कर दिया ऑपरेशन किसी और बंदे को। तो सवाल आता है कि क्या मैं 35AD का डिडक्शन ले सकता हूँ? सरकार ने कहा बिल्कुल ले सकते हो, आपने होटल बनाया हम आपको डिडक्शन देंगे। तो एससीसी शैल बी डीम टू बी कैरिंग ऑन द स्पेसिफाइड बिजनेस ऑफ बिल्डिंग एंड ऑपरेटिंग होटल। अगर आप क्या करते हो ऑपरेशन ट्रांसफर कर देते हो किसी को तो भी आप एलिजिबल हो, राइट। अच्छा एक पॉइंट अपन ऊपर छोड़ा था वो आ जाते हैं इधर, चलो पहले उससे पहले ये देख लेते हैं अपन कि भाई 35AD का बिजनेस, 35AD का बिजनेस अगर आप कर रहे हो तो कौन कौन सी कंडीशन आपको सेटिस्फाई करनी पड़ेगी। देखो कंडीशन क्या है, सबसे पहला आप स्प्लिट अप नहीं कर सकते, इसका मतलब यह है कि भाई आप एग्जिस्टिंग होटल चला रहे थे,
ठीक है, 35 AD के अनाउंसमेंट से पहले आप होटल चला रहे थे, अब आपका 35 AD का अनाउंसमेंट आ गया, आप बोले यार अपना तो नुकसान हो गया, तो आपने क्या करा, होटल को दो भागों में बांट दिया और ये बोला कि भाई आधा होटल तो नया है। सरकार कहती नहीं ऐसा नहीं चलेगा, आपको स्प्लिट अप करने की जरूरत नहीं है, आपको न्यू होटल एस्टेब्लिश करना पड़ेगा। तो स्प्लिट अप नहीं कर सकते आप, रिकंस्ट्रक्ट नहीं कर सकते ऑफ द बिजनेस ऑलरेडी इन एक्जिस्टेंस। ठीक है, आप होटल चला रहे थे, अच्छा होटल चल नहीं रहा था, फिर आपने अगर उसको रिकंस्ट्रक्ट कर दिया, रिकंस्ट्रक्ट मतलब दो तीन माले और बना दिए, सरकार को कहती है देखो हमने होटल बनाया, सरकार नहीं, सरकार की नहीं, आपको क्या करना पड़ेगा, नया होटल बनाना पड़ेगा। नंबर टू, जो होटल जो बेसिकली आप बिजनेस कर रहे हो उसमें आप जो प्लांटिंग मशीनरी को यूज करोगे वो न्यू प्लांटिंग मशीनरी होनी चाहिए, ऐसा नहीं कि भाई आपने सेकंड हैंड, आपने जो ऑलरेडी बिजनेस है उसमें से आपने क्या करा मशीनरी ट्रांसफर कर दी, तो बेसिकली सरकार कहती है सेकंड हैंड प्लांटिंग मशीनरी नहीं चलेगी। तो देखो क्या दे रखा है, इट शुड नॉट बी सेटअप बाय द ट्रांसफर टू द स्पेसिफाइड बिजनेस ऑफ मशीनरी और प्लांट प्रीवियसली यूज्ड फॉर एनी पर्पस, मतलब सेकंड हैंड प्लांटिंग मशीनरी नहीं हो सकती। लेकिन सरकार ने कह दिया कि भाई 20% तक आप अलाउ है, मतलब अगर आपको क्या कर रहे हो टोटल प्लांटिंग मशीनरी जो आपने न्यू बिजनेस में लगाई है उसका 20% अगर सेकंड हैंड प्लांटिंग मशीनरी है तो कंडीशन फुलफिल हो जाएगी आपकी, मतलब आप 35 AD के डिडक्शन ले सकते हो। तो ये वाली 20% वाली कंडीशन है वो पढ़ लेना, ठीक है। मतलब हमने ये एक चीज पढ़ी कि नंबर वन आप स्प्लिट अप या रिकंस्ट्रक्ट नहीं कर सकते बिजनेस ऑलरेडी इन एग्जिस्टेंस को, एंड नंबर टू आप जो बिजनेस लगा रहे हो उसमें नया प्लांटिंग मशीनरी लेके आना। लेकिन सरकार ने कहा कि अगर 20% तक ओल्ड प्लांटिंग मशीनरी लेके आते हो तो चल जाएगा। तो अगर फॉर एग्जांपल नए बिजनेस में आप क्या करते हो 100 प्लांटिंग मशीनरी लेके आते हो, सरकार कहती है 100 में से 20 मतलब 20 मशीनरी आप ओल्ड भी लेके आओगे सेकंड हैंड भी लेके आओगे चल जाएगा, आप 35 AD का डिडक्शन ले सकते हो। ओके, एक चीज समझना, कोई प्लांटिंग मशीनरी है जो इंडिया में पहले कभी यूज नहीं हुई थी, आपने उसको इंपोर्ट करा लिया और इंडिया में कहीं पे भी उस पर डिडक्शन नहीं लिया तो उसको सेकंड हैंड प्लांटिंग मशीनरी नहीं माना जाएगा। तो मैंने आपको कहा सरकार कहती है कि सेकंड हैंड प्लांटिंग मशीनरी अलाउड नहीं है लेकिन 20% तक अलाउड है। लेकिन आपने क्या करा, कोई मशीनरी को इंपोर्ट कराया, इंडिया में पहले कभी वो यूज नहीं हुई थी, आपने मशीनरी को इंपोर्ट कराई और इंडिया में उस मशीनरी पे पहले कभी किसी ने डेप्रिसिएशन नहीं ले रखा था, इसका मतलब ये है कि सरकार बोल रही है हम इसको न्यू ही मानेंगे। तो देखो क्या दे रखा है, फॉर द पर्पस ऑफ दिस कंडीशन मशीनरी और प्लांट एंड मशीनरी वुड नॉट बी रिगार्डेड एज प्रीवियसली यूज, मतलब हम उसको सेकंड हैंड मशीनरी मानेंगे। कब नहीं मानेंगे, जब वो इंडिया में यूज नहीं हुई है, इंडिया में यूज नहीं हुई है, आपने उसको इंपोर्ट कराया है और इंडिया में आपसे पहले किसी ने उस पर डेप्रिसिएशन नहीं लिया है। कहानी समझ में आ गई। अब आ जाते हैं एक पॉइंट पे जो अपने इधर छोड़ा था। देखो मैंने आपको एक चीज बताई थी कि भाई आप क्या करो 35 AD का बिजनेस कर रहे हो, कोई भी कैपिटल एसेट लेके आओगे तो आपको क्या मिल जाएगा, कोई भी कैपिटल एसेट लेके आओगे तो आपको जो 100% रिडक्शन करंट में मिल जाएगा। इतनी कहानी समझ में आई। अच्छा अब मुझे एक चीज बताओ, लॉजिकली सोचना, मेरा कोई स्पेसिफाइड बिजनेस नहीं है, मेरा कोई स्पेसिफाइड बिजनेस नहीं है लेकिन मैं कोई प्लांट मशीनरी लेके आया, तो अगर मैं लेके आता तो मुझे क्या मिलता, उस पर डेप्रिसिएशन मिलता ना। मैं स्पेसिफाइड बिजनेस नहीं कर रहा, 35 AD का स्पेसिफाइड बिजनेस नहीं कर रहा, मैं नॉर्मल बिजनेस कर रहा हूँ, मैं कोई प्लांट मशीनरी लेके आता, ठीक है, तो अगर 35 AD नहीं होता तो मुझे उस पर डेप्रिसिएशन तो मिल जाता। अब देखना इधर क्या हो रहा है कि मैंने स्पेसिफाइड बिजनेस कर रहा हूँ, मैंने एक हॉस्पिटल खोला जिसमें 200 बेड्स हैं, 200 बेड्स पर पेशेंट्स है, 35 AD का बिजनेस कर रहा हूँ, मैं प्लांट मशीनरी लेके आया, मैंने 100% रिडक्शन क्लेम कर लिया, ठीक है। इतनी कहानी समझ आ गई। 2 साल बाद मैंने क्या करा, इस प्लांट एंड मशीनरी को उठा के किसी दूसरे बिजनेस में ट्रांसफर कर दिया, और वो कौन सा बिजनेस है जो स्पेसिफाइड बिजनेस की कैटेगरी में फॉल नहीं करता। इतनी कहानी समझ में आई। तो मैंने कोई प्लांट एंड मशीनरी 35 AD के बिजनेस से दूसरे बिजनेस में ट्रांसफर कर दी। अच्छा अब क्या हो, तो सरकार ये कहती है कि देखो आपने डिडक्शन ले लिया, हमें चूना तो लगा दिया, लेकिन देखो आप क्या कर रहे हो, आज की डेट में आप इस प्लांट एंड मशीनरी को किसी दूसरे बिजनेस में ट्रांसफर कर रहे हो, तो आपको क्या करना पड़ेगा, टैक्स पे करना पड़ेगा। पहले आपने टैक्स बचा लिया ना, जो भी आपका खर्चा था उस पर आपने टैक्स बचा लिया। तो सरकार कहती है कि अब आपने जब इसको ट्रांसफर कराए तो हम क्या करेंगे, हम आप पे टैक्स लेंगे, लेकिन टैक्स कितना लेंगे। देखो सरकार कहती है कि जितना भी आपने आपको डिडक्शन मिला, फॉर एग्जांपल मैंने डिडक्शन ले लिया था 10 रुपए का, ठीक है, जितना भी आपको डिडक्शन मिला माइनस कर देंगे। जैसे फॉर एग्जांपल आपने 2 साल क्या करा उसको यूज करा, 2 साल क्या करा उसको 35 AD के बिजनेस में यूज करा, तो सरकार कहती है कि अगर आप इसको नॉर्मल बिजनेस में यूज कर देते तो हम आपको डेप्रिसिएशन तो देते ना, डेप्रिसिएशन तो आपको बिल्कुल मिलता, तो 2 साल का डेप्रिसिएशन लेस कर दो, तो जो भी डेप्रिसिएशन आपको मिलना चाहिए था इन 2 सालों में वो डेप्रिसिएशन लेस कर देना, जो बैलेंस अमाउंट बचता है वो टैक्सेबल हो जाएगा। आपको कहानी समझ आ रही है ना। तो लॉजिकली देखा जाए तो होना भी यही चाहिए था कि मैंने क्या करा, कोई प्लांट एंड मशीनरी खरीदी, नॉर्मल बिजनेस है मेरा, कोई प्लांट एंड मशीनरी खरीदता मैं, मुझे 2 साल का डेप्रिसिएशन मिलता, 2 साल में 2 साल का ही डेप्रिसिएशन मिलता ना, और बाकी इनकम क्या, बाकी क्या होता मेरा आगे फ्यूचर ईयर्स में टैक्सेबल हो जाता, सॉरी फ्यूचर ईयर्स मुझे उसका डेप्रिसिएशन मिल जाता। तो मैं नॉर्मल बिजनेस कर रहा हूँ, प्लांट एंड मशीनरी लेके आया, मैं उस पर 2 साल का डेप्रिसिएशन ले लेता और फ्यूचर में वापस डेप्रिसिएशन ले लेता। इधर ये तो हो गया एक पार्ट। 35 AD का बिजनेस कर रहा था मैं, कोई प्लांट एंड मशीनरी लेके आएगा, 100% रिडक्शन ले लिया, 100% रिडक्शन लेने का मतलब है कि सर इतने अमाउंट पे मैंने टैक्स कम पे करा, डिडक्शन पूरे का ले लिया। अच्छा 2 साल बाद मैंने ट्रांसफर कर दिया उस मशीन को किसी नॉर्मल बिजनेस में, सरकार कहती है कोई बात नहीं, 2 साल का बिजनेस, 2 साल का डेप्रिसिएशन आपको मिलना चाहिए था, हम आपको 2 साल का डेप्रिसिएशन दे देते हैं, जो बैलेंस अमाउंट है, बैलेंस पूरे पे आपने क्या करा था डिडक्शन लिया था ना, हम बैलेंस अमाउंट टैक्सेबल कर देते हैं। लॉजिकली समझ में आ रही है, तो ये ज्यादा देर तक रिटेन रहेगा आपको, ठीक है। तो देखो अगर आपने क्या करा, एसेट को यूज करा फॉर एनी अदर बिजनेस अदर देन स्पेसिफाइड बिजनेस ड्यूरिंग द 8 ईयर्स, तो सरकार ने कहा था कि 8 साल तक आप ट्रांसफर नहीं कर सकते। अगर आपने ऐसा कर दिया तो क्या होगा, सरकार कहती है कि जितने सरकार कहती है कि जो भी आपने डिडक्शन लिया था माइनस आपको जितना डिप्रिसिएशन मिलना चाहिए था वो हम लेस कर देते हैं, जो बैलेंस अमाउंट बचता है वो आपका क्या हो जाएगा, PGBP में टैक्सेबल हो जाएगा, मतलब इतने अमाउंट पर अब आपको टैक्स देना पड़ेगा। पहले आपने पूरे अमाउंट पर डिडक्शन ले लिया था, अब आपको क्या करना पड़ेगा, इतने अमाउंट पर टैक्स देना पड़ेगा, कितने अमाउंट पे जो टोटल डिडक्शन था माइनस
माइनस माइनस माइनस मेरे को डेप्रिसिएशन कितना मिल जाता, तो टोटल रिडक्शन माइनस डेप्रिसिएशन अलाउएबल एज इफ नो रिडक्शन हैज बीन अलाउड अंडर 35 AD। देखो मेरा पर्पस ये है कि डीटी के हर एक कॉन्सेप्ट को आपको लॉजिकली समझाऊं, कंसेप्चुअली अगर समझोगे तो बहुत ज्यादा देर तक रिटेन कर पाओगे, रट के बैठ जाओगे कि भाई मैं ट्रांसफर करता हूं तो टोटल रिडक्शन माइनस डेप्रिसिएशन होता है, ऐसा करोगे तो एग्जाम में जाके भूल जाओगे। लॉजिकली मैंने आपको बता दिया कि भाई इसका पर्पस क्या है। अच्छा एक और चीज देखना, हमने ये जो कहा ना ऊपर कि भाई अगर आप ट्रांसफर कर देते हो नॉर्मल बिजनेस में तो क्या हो जाएगा, टैक्सेबल हो जाएगा टोटल रिडक्शन माइनस डेप्रिसिएशन अलाउएबल। ये कब लगेगा, नहीं जब आप एक सिक कंपनी हो, तो अब प्रोविजन नॉट एप्लीकेबल टू अ कंपनी व्हिच हैज बिकम सिक इंडस्ट्रियल कंपनी ड्यूरिंग द इंटरवीनिंग पीरियड ऑफ 8 इयर्स। मैंने हॉस्पिटल खोला 200 बेड्स का हॉस्पिटल खोला, दो साल बाद भाई मेरी नेटवर्क जो है वो एकदम लॉसेज में जा रही है, तो अगर कोई सिक कंपनी हो जाए, सिक कंपनी की डेफिनेशन आप बाद में पढ़ोगे ठीक है, सिक कंपनी की डेफिनेशन कंपनी जब आप पढ़ते हो, सिक कंपनी की डेफिनेशन का मतलब ये होता है कि बेसिकली जो उसकी नेटवर्थ है, जो उसकी नेटवर्थ है वो एक्युमुलेटेड लॉसेज से ज्यादा है, तो सरकार कहती है कि भाई ये तो डूबी हुई कंपनी है, इसको रिवाइव करने के लिए अगर ये मशीनरी बेच भी देती है तो भी चल जाएगा। तो सरकार ने कहा कि अगर कोई सिक कंपनी है, सिक इंडस्ट्रियल कंपनी है, और उसने क्या करा, स्पेसिफाइड बिजनेस के एसेट को दूसरे बिजनेस में ट्रांसफर कर दिया, तो कोई दिक्कत नहीं, हम कोई अमाउंट टैक्सेबल नहीं करेंगे। आई थिंक आपका एक पॉइंट बच रहा था, हो गया क्या सारा 35 AD के, मैंने आपको ये पूरा समझा दिया। ओके 35 AD अपना पूरा हो गया इधर, तो मैंने करीबन 15 मिनट देखा आपको 35 AD पूरा समझाया, बहुत अच्छा बहुत अच्छा टॉपिक है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन भी बनते हैं, एमसीक्यूज भी बन सकते हैं राइट। अच्छा अभी दूसरा टॉपिक देखना, सरकार ने एक फंड बनाया रूरल डेवलपमेंट फंड, हम क्या करना चाहते हैं, रूरल एरिया को डेवलप करना चाहते हैं, नेशनल अर्बन पॉवर्टी इरेडिकेशन फंड, हम गरीबी को मिटाना चाहते हैं। सरकार कहती है कि भाई हमने ये फंड बनाया, अगर आप इसमें कुछ भी कंट्रीब्यूशन करते हो, जितना कंट्रीब्यूशन करोगे डिडक्शन आप ले सकते हो, जितना आपने कंट्रीब्यूशन करा डिडक्शन ले लो, आपके प्रॉफिट में से कम कर लो इतना अमाउंट, और कम अमाउंट आपको टैक्स देना पड़ेगा। तो बेसिकली अगर आप क्या करते हो, कंट्रीब्यूशन करते हो रूरल डेवलपमेंट फंड पे, नेशनल अर्बन पॉवर्टी इरेडिकेशन फंड पे, तो आपको जो है खर्चा मिल जाएगा सेक्शन 35CCA के अंदर। अब आते हैं अपन एग्रीकल्चर एक्सटेंशन प्रोजेक्ट, ठीक है, नोटिफाइड एग्रीकल्चर एक्सटेंशन प्रोजेक्ट। अब देखो बेसिकली एग्रीकल्चर एक्सटेंशन प्रोजेक्ट कि हम क्या कर रहे हैं, फार्मर्स के अंदर स्किल्स डेवलप कर रहे हैं ताकि वो क्या करें, एग्रीकल्चर को एक्सटेंड कर सके। तो सरकार कहती है कि हम एग्रीकल्चर को भी प्रमोट करना चाहते हैं, अगर आप खर्चा करते हो तो डिडक्शन ले जा सकते हो कहां पर, 35CCC में। देखो क्या दे रखा है, एक्सपेंडिचर नॉट बीइंग एक्सपेंडिचर इन द कॉस्ट ऑफ लैंड एंड बिल्डिंग, मतलब खर्चा कर सकते हो लेकिन लैंड एंड बिल्डिंग पे खर्चा नहीं कर सकते। अच्छा एक्सपेंडिचर नॉट एक्सपेंडिचर इन द नेचर ऑफ लैंड एंड बिल्डिंग, 25 लाख से ज्यादा इज एक्सपेक्टेड टू बी इनकर्ड फॉर द प्रोजेक्ट, मतलब कम से कम आपको क्या करना पड़ेगा, 25 लाख से ज्यादा का एक्सपेंडिचर करना पड़ेगा, पहली बात। नंबर टू, जो भी एक्सपेंस आपने करा है ठीक है, वही लैंड एंड बिल्डिंग तो आप खरीद नहीं सकते, जो भी खर्चा आपने करा है एज रिड्यूस्ड बाय द अमाउंट रिसीव फ्रॉम द बेनिफिशियरी इफ एनी इनकर्ड होली एंड एक्सक्लूसिवली फॉर अंडरटेकिंग एन एलिजिबल एग्रीकल्चर एक्सटेंशन प्रोजेक्ट शैल बी एलिजिबल फॉर डिडक्शन। मतलब बेसिकली सरकार ये कहना चाहती है कि भाई आपने 100 करोड़ का खर्चा करा लेकिन 20 करोड़ तो आपने फार्मर से रिकवर कर लिए, तो आपका खर्चा अल्टीमेटली हुआ कितना, 80 करोड़ का ही हो ना, तो सरकार कहती है 80 करोड़ ही आप क्लेम करोगे, समझ में आ रही है बात। तो ऑल द एक्सपेंसेस एज रिड्यूस कर देना, किससे रिड्यूस कर देना, एज रिड्यूस्ड बाय एनी अमाउंट जो आपने बेनिफिशियरी से रिसीव कर लिया है, मतलब फार्मर्स को आपको ट्रेनिंग देनी थी लेकिन आपने फार्मर से तो 20 करोड़ रुपए वापस रिकवर कर लिया ना, मैं 100 करोड़ का खर्चा करा 20 करोड़ उससे रिकवर कर लिया, तो मेरा अल्टीमेटली खर्चा कितना हुआ, 80 करोड़ हुआ ना, तो सरकार कहती है कि अब आपको 80 करोड़ का जो डिडक्शन हम देंगे। अच्छा आगे देखना, हाउएवर एक्सपेंसेस इनकर्ड, तो इसका मतलब ये है, थर्ड पॉइंट का मतलब ये है कि आपने 100 करोड़ का खर्चा करा लेकिन सरकार ने आपको कोई सब्सिडी दे दी, सरकार ने आपको क्या कर दिया, कोई रिफंड दे दिया, तो सरकार ने अगर आपको फॉर एग्जांपल 20 करोड़ वापस दे दिए तो अगेन वही 80 करोड़ मेरा क्या होगा, टैक्सेबल होगा। तो सरकार कहती है कि जो भी आपने खर्चा करा है उसमें से अगर आपको कोई भी पैसा क्या हो गया, रिफंड हो गया रिमबर्स हो गया, तो वो भी आपका खर्चा नहीं माना जाएगा, इजी है। तो देखो क्या रखा है, एक्सपेंडिचर इनकर्ड ऑन द एग्रीकल्चर एक्सटेंशन प्रोजेक्ट जो आपको रिमबर्स हो गया या फिर रिमबर्सेबल है टू द एसएससी बाय एनी पर्सन, कोई भी पर्सन हो, वेदर डायरेक्टली और इनडायरेक्टली, उसको भी हम जो है एलिजिबल फॉर डिडक्शन नहीं मानेंगे, इजी है, समझ में आ गई कहानी आपको। स्किल डेवलपमेंट प्रोजेक्ट की बात करते हैं, सरकार कहती है कि हम चाहते हैं लोगों की स्किल डेवलप हो, ठीक है, आपके एम्प्लॉयज की स्किल डेवलप हो, तो अगर आप इस पर कोई खर्चा करते हो तो हम आपको डिडक्शन देंगे 35CCD। ये किसके लिए, सिर्फ और सिर्फ कंपनीज के लिए, ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा, ये जो माइन्यूट चीजें हैं ना ये आपको ध्यान रखनी पड़ेगी कि भाई 35CCD कंपनीज के लिए, बाकी ये जो था ना 35CCA और CCC ये सबके लिए है, सबके लिए बोले तो कंपनी हो गया, इंडिविजुअल हो गया, फर्म हो गया राइट। कोई बात है, खर्चा लैंड बिल्डिंग पे आप नहीं कर सकते, खर्चा आप जो है लैंड बिल्डिंग पे आप नहीं कर सकते, जो भी खर्चा आपको रिमबर्स हो गया उसको आप हटा देना, ठीक है। और ये वाला पॉइंट देखना, सरकार चाहती है कि भाई आप स्किल डेवलप करो, साथ साथ में सरकार ये चाहती है कि भाई नए ज्यादा से ज्यादा लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिले, तो सरकार ये कह रही है कि भाई आप नए लोगों को रखो, उनको स्किल उनकी स्किल डेवलप करो, अगर ऐसा करोगे तो आपको डिडक्शन देंगे। लेकिन सरकार ने कहा कि भाई अगर आपने एम्प्लॉय को हायर कर लिया और एम्प्लॉय की ट्रेनिंग 6 महीने बाद चालू कर रहे हो, आप 6 महीने बाद चालू कर रहे हो तो हम आपको जो है तो हम आपको डिडक्शन नहीं देंगे। तो सरकार बेसिकली चाहती है कि बिजनेसेस जल्दी से जल्दी एम्प्लॉयज को रिक्रूट करें और जल्दी से जल्दी उनको ट्रेनिंग दे ताकि उनका भला हो, अगर फॉर एग्जांपल ये कंपनी उनको निकाल भी देती है तो ये बंदे कहीं और जाके नौकरी कर सकें। तो स्किल डेवलपमेंट प्रोजेक्ट
एग्जिस्टिंग एम्प्लॉइज का, ठीक है, स्किल डेवलपमेंट प्रोजेक्ट इन रिस्पेक्ट ऑफ एग्जिस्टिंग एम्प्लॉइज हाउएवर वुड नॉट बी एलिजिबल फॉर डिडक्शन, जहां पर ट्रेनिंग कब चालू हो रही है 6 महीने बाद आफ्टर द रिक्रूटमेंट। लॉजिकली मैंने आपको समझा दिया। तो अपन एक नया टॉपिक देखने जा रहे हैं, प्रीलिमिनरी खर्चा। देखो इसका मतलब क्या है, आपने क्या करा, कोई बिजनेस को कमेंस करा, बिजनेस को कमेंस करा, या फिर बिजनेस को आपने क्या करा, एक्सटेंड करा, या फिर आपने एक न्यू यूनिट लगाई। तो सरकार कहती है कि भाई बिजनेस को कमेंस करने में, न्यू यूनिट को एस्टैब्लिश करने में जो भी आपके खर्चे होते हैं उसका हम आपको डिडक्शन देंगे। और डिडक्शन कैसे देंगे, अगले 5 सालों में 5 इंस्टॉलमेंट आपको डिडक्शन दे दिया जाएगा। अच्छा, हम किस खर्चे की बात करें, पहले अपन खर्चे की बात कर लेते हैं। आपने कोई बिजनेस को कमेंस करा या फिर बिजनेस को एक्सटेंड करा, न्यू यूनिट लगाई, ठीक है, न्यू यूनिट लगाई, तो उसके लिए आपने कोई फिजिबिलिटी रिपोर्ट बनाने में कोई खर्चा करा, या फिर आपने कोई मार्केट सर्वे कंडक्ट कराया, फिर कोई भी सर्वे कंडक्ट कराया फॉर द बिजनेस। अच्छा, आपने क्या करा, एक प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनाई, या फिर आपने इंजीनियरिंग सर्विसेज ली रिलेटिंग टू एसएससी का बिजनेस, आपने ये सारे खर्चे करे तो आपको जो है डिडक्शन दे दिया जाएगा। डिडक्शन कितना मिलेगा, 5 इक्वल इंस्टॉलमेंट्स इन 5 ईयर्स। अच्छा, एक और चीज समझना, अगर आप एक कंपनी हो तो सरकार ने कहा एमओए और एओए को ड्राफ्ट करने के लिए जो भी खर्चा होता है वो भी हम आपको प्रीलिमिनरी खर्चे में इंक्लूड करेंगे। आपने जो है क्या करा, कंपनी को रजिस्टर कराया तो उसकी फीस भी इसमें इंक्लूड हो जाएगी। ओके, फिर सरकार ने कहा कि भाई आपने जो है शेयर इशू करे, डिबेंचर इशू करे, तो जो भी अंडरराइटिंग कमीशन आपने पे कराया, ब्रोकरेज पे कराया, या फिर चार्जेस लगे हैं आपके फॉर ड्राफ्टिंग, प्रिंटिंग या एडवर्टाइजमेंट ऑफ प्रोस्पेक्टस, वो भी आपके प्रीलिमिनरी खर्चे में इंक्लूड होंगे। अच्छा, मेरी बात बड़े ध्यान से समझना, ये जो खर्चा है ये किसको मिलेगा, सिर्फ और सिर्फ रेसिडेंट एसएससी को मिलेगा। किसको मिलेगा, रेसिडेंट एसएससी को मिलेगा। और कब मिलेगा, जब आपने बिजनेस को कमेंस कराया, बिजनेस को एक्सटेंड कराया, या फिर न्यू यूनिट को सेटअप कराया। अच्छा, मैंने आपको बताया डायरेक्शन कब कब मिलेगा, आपको मिलेगा 5 इक्वल इंस्टॉलमेंट्स इन 5 ईयर्स। अच्छा, लिमिट क्या दे रखी है, तो अपन लिमिट पढ़ेंगे। देखो ये लिमिट, तो लिमिट अपने को बता रखी है ऊपर। अच्छा, डिडक्शन कितना मिलेगा, सो इसने कहा कि भाई एक्चुअल अमाउंट, तो आपको डिडक्शन मिलेगा एक्चुअल जितना आपने खर्चा करा, या फिर अबव लिमिट। कौन सी लिमिट, देखो ये अपन लिमिट पढ़ेंगे इधर, एक्चुअल या फिर अबव लिमिट, एक्चुअल और फिर अबव लिमिट, ये अपन लिमिट पढ़ेंगे इधर, ये लिमिट। तो एक्चुअल और अबव लिमिट विचेवर इज लोअर का आपको क्या मिल जाएगा, डिडक्शन मिलेगा। अच्छा, लिमिट क्या है वो अपन देखते हैं। सबसे पहले देखना, अगर आप क्या हो, रेसिडेंट एसएससी हो, अदर देन कंपनी, कंपनी के अलावा कोई भी रेसिडेंट एसएससी हो, तो सरकार ने कहा जो भी आपका कॉस्ट ऑफ प्रोजेक्ट है उसका 5% मैक्सिमम लिमिट है। तो 5% ऑफ द कॉस्ट ऑफ प्रोजेक्ट, ठीक है, 5% ऑफ द कॉस्ट ऑफ प्रोजेक्ट सरकार ने बताया। कॉस्ट ऑफ प्रोजेक्ट का मतलब देखो क्या दे रखा है, अमाउंट इन्वेस्टेड इन द फिक्स्ड एसेट ऑफ द न्यू बिजनेस एक्सटेंशन या न्यू यूनिट एज ऑन द लास्ट ऑफ द प्रीवियस ईयर इन विच द बिजनेस कमेंसेस। सीधी सी बात समझ में आई आपको, आपने जितने पैसा किसमें लगाया है, फिक्स्ड एसेट में लगाया है, उसको हम जो है कॉस्ट ऑफ प्रोजेक्ट मानेंगे। और कब का आपको देखना है, देखो एज ऑन द लास्ट डे ऑफ द प्रीवियस ईयर इन विच द बिजनेस कमेंस, जिस साल आपने बिजनेस कमेंस करा उस साल की 31 मार्च में चले जाना, मतलब ईयर एंड पे चले जाना, ईयर एंड पे चले जाना, कितने भी फिक्स्ड एसेट है वो आपको क्या होगा, कॉस्ट ऑफ प्रोजेक्ट होगा, उसका 5% निकाल देना, या क्या है मैक्सिमम लिमिट है। अच्छा, अगर मैं इंडियन कंपनी की बात करूं, सरकार ने कहा कि अगर आप एक क्या हो, इंडियन कंपनी हो, अगर आप एक इंडियन कंपनी हो, तो सरकार ने कहा कॉस्ट ऑफ प्रोजेक्ट और कैपिटल एम्प्लॉयड व्हिचएवर इज हायर, कॉस्ट ऑफ प्रोजेक्ट और कैपिटल एम्प्लॉयड व्हिचएवर इज हायर का 5% उठा लेना। कॉस्ट ऑफ प्रोजेक्ट अपने समझ लिया, ये रहा मेरा कॉस्ट ऑफ प्रोजेक्ट। कैपिटल एम्प्लॉयड क्या होता है वो अपन देखते हैं। देखो यार, कैपिटल एम्प्लॉयड का मतलब क्या है, शेयर कैपिटल डिवेंचर्स लॉन्ग टर्म बोरिंग्स, शेयर कैपिटल डिवेंचर्स एंड लॉन्ग टर्म बोरिंग्स ऑफ न्यू बिजनेस एक्सटेंशन या न्यू यूनिट एज ऑन द लास्ट डे ऑफ द प्रीवियस ईयर इन विच द बिजनेस कमेंसेस। सेम चीज है, क्या याद रखना आपको, शेयर कैपिटल डिवेंचर्स एंड लॉन्ग टर्म बोरिंग्स। अच्छा, मेरी बात बड़ी ध्यान से समझना, अगर आपने बिजनेस को एक्सटेंड करा है तो जो भी आपने नए शेयर्स इशू करे हैं वही आपको किस में इंक्लूड करने हैं, शेयर कैपिटल के अंदर इंक्लूड करने हैं। ये कौन सी बात बोल रहा है, ये वाला। तो अगर आपने क्या करा है, बिजनेस को एक्सटेंड करा है, तो एग्जिस्टिंग शेयर्स को मत उठा लेना, एग्जिस्टिंग शेयर कैपिटल को मत उठा लेना, जो आपने न्यू शेयर इशू करें, जो न्यू डिबेंचर्स इशू करें, उसको अपन इंक्लूड करेंगे। अच्छा, लॉन्ग टर्म बोरिंग का मतलब क्या है, देखो अगर आपने इंडिया से उठाया तो कम से कम 5 साल का होना चाहिए, और फॉरेन से उठाया तो कम से कम 7 साल का होना चाहिए। इधर तक पूरी कहानी समझ आ गई आपको कि भाई 35D में किस तरह से आपको डिडक्शन मिलता है, एक्चुअल अमाउंट और एक्चुअल अमाउंट और अबव लिमिट विचेवर इज लोअर का आपको डिडक्शन दे दिया जाएगा, और कितने डिडक्शन मिलेंगे आपको, 5 साल में 5 इंस्टॉलमेंट्स आपको डिडक्शन दे दिया जाएगा। अच्छा, मेरी बात बड़े ध्यान से समझना, अगर आप एक एसएससी हो अदर देन कंपनी और कॉर्पोरेट सोसाइटी, तो आपको डिडक्शन तभी मिलेगा जब आपने जो है क्या करा है, 44AB में टैक्स ऑडिट कराई है। 44AB की जो टैक्स ऑडिट है, अपन PGEP के लास्ट में पढ़ेंगे कि 44AD में किस तरह की ऑडिट होती है, राइट। तो आप इधर से बस ध्यान रख के भूल जाओ कि अगर आप एक एसएससी हो अदर देन कंपनी और कॉर्पोरेट सोसाइटी के अलावा आप कोई एसएससी हो, तो आपको डिडक्शन कब मिलेगा, जब आपने क्या करा है, 44AB में टैक्स ऑडिट करवाई है। अच्छा, एक और चीज समझना, इन केस ऑफ अमलगमेशन या डीमर्जर, ये लोग कह रहे हैं कि भाई इन केस ऑफ अमलगमेशन या डीमर्जर रिमेनिंग डिडक्शन शैल बी अलाउड टू द अमलगमेटेड या रिजल्टिंग कंपनी। मेरी बातों पे, मेरे थोपड़े पे ध्यान रखना, आपको जो चीज समझा रहा हूँ उसको सुनना, ठीक है। आरजे लिमिटेड थी, आरजे लिमिटेड बनी, 2 साल आरजे लिमिटेड ने काम करा, और 2 साल बाद आरजे लिमिटेड क्या हो गई, किसी कंपनी से अमलगमेट हो गई। तो फॉर एग्जाम्पल, आरजे लिमिटेड बाद में जाके वीजे लिमिटेड से अमलगमेट हो गई। तो सरकार कहती है कि जो आरजे लिमिटेड ने प्रीलिमिनरी खर्चा करा था वो तो 5 साल तक मिलना चाहिए था ना, आरजे लिमिटेड ने 2 साल ले लिया, बचे कितने, 3 साल। तो सरकार कहती है 3 साल कौन ले लेगी, अमलगमेटेड कंपनी लेगी। कहानी समझ में आ गई। सो सरकार ने कहा कि भाई अगर अमलगमेशन हो जाता है तो रिमेनिंग डिडक्शन कौन ले सकता है, अमलगमेटेड कंपनी ले सकती है। डीमर्जर हो जाता है
आरजे लिमिटेड थी, आर और जी लिमिटेड बन गई। तो मुझे बताओ आरजे लिमिटेड ने जो है फॉर एग्जांपल 3 साल का खर्चा ले लिया, तो बाकी अगर ये क्या हो जाती है, डीमर्ज हो जाती है। तो एक तो बनी आरजे लिमिटेड और एक बन गई आर लिमिटेड। तो सरकार ने कहा कि बाकी जो डिडक्शन है वो किसको मिल जाएगा, बाकी जो डिडक्शन है बेसिकली किसको मिल जाएगा, जी लिमिटेड को मिल जाएगा। अगर तो वो खर्चा किससे रिलेट करता है, जी से रिलेट करता है। तो समझ में ही कहानी, अमलगमेशन हो गया तो बाकी डिडक्शन किसको मिल जाएगा, लिमिटेड कंपनी को मिल जाएगा। अच्छा किस क्या होता है, डीमर्जर हो जाता है तो बाकी डिडक्शन किसको मिल जाएगा, रिजल्टिंग कंपनी को मिल जाएगा, अगर रिजल्टिंग कंपनी का वो क्या है खर्चा है। तो इधर तक कहानी समझ में आई आपको। तो देखो अपन ने 35D देख लिया प्रीलिमिनरी खर्चा, अब अपन देखे जा रहे हैं 35DD। 35DD क्या है, 35DD है बेसिकली अमल कमीशन एंड डीमर्जर का खर्चा, अमल कमीशन एंड डीमर्जर का खर्चा। बेसिकली अगर दो कंपनी क्या होती है अमलगमेट हो जाती है, तो सरकार ये कहती है कि जो भी खर्चा करेगी, जो भी अमलगमेशन से रिलेटेड खर्चा करेगी, उसको क्या मिल जाएगा, डायरेक्शन मिल जाएगा। और डायरेक्शन कैसे मिलेगा, अगले 5 साल में 5 इक्वल इंस्टॉलमेंट आपको डायरेक्शन दे दिया जाएगा। बट कंडीशन क्या है, डायरेक्शन आपको देखो डायरेक्शन किसको मिलेगा, सिर्फ और सिर्फ इंडियन कंपनी को मिलेगा। तो दो कंपनी जो अमलगमेट हो रही है, अमलगमेशन का खर्चा जिसने भी करा उसको डायरेक्शन हम दे देंगे। बट कंडीशन क्या है कि भाई वो कंपनी क्या होनी चाहिए, इंडियन कंपनी होनी चाहिए। अच्छा दो कंपनी डीमर्ज हुई, आज आर थी, आरजी लिमिटेड थी, आर और जी लिमिटेड बन गई। ठीक है, आरजी लिमिटेड थी, आर और जी लिमिटेड बन गई। तो सरकार कहती है जो भी डीमर्जर का खर्चा करेगी उसको हम 5 साल के लिए क्या करेंगे, डिडक्शन अलाउ कर देंगे। तो आपने डीमर्जर के लिए फॉर एग्जांपल 1 करोड़ का खर्चा करा, सरकार कहती है क्या करेंगे हम 20-20 लाख रुपए अगले 5 साल में राइट ऑफ कर सकते हो आप इसको। फिर देखना वीआरएस एक्सपेंडिचर अंडर वीआरएस वॉलंटरी रिटायरमेंट स्कीम, समझते हो कंपनी क्या करती है, बेसिकली अपने एम्प्लॉयज को ऑप्शन देती है कि अगर आप चाहो तो क्या कर सकते हो, अर्ली रिटायरमेंट ले सकते हो। अगर एम्प्लॉय ऐसा करता है तो बेसिकली कंपनी जो भी उसको पेमेंट करेगी वॉलंटरी रिटायरमेंट स्कीम पे, वो क्या कर सकती है, कंपनी राइट ऑफ कर सकती है अगले 5 साल में। ठीक है, तो 1/5 एक्सपेंडिचर फॉर 5 ईयर्स अलाउड है। मैं आपको वही चीज बताई थी जैसे प्रीलिमिनरी खर्चे 35D में बताई थी कि भाई अमलगमेशन और डीमर्जर के केस में रिमेनिंग डिडक्शन कौन लेगा, अमलगमेटेड या रिजल्टिंग कंपनी ले लेगी। ऐसे ही सक्सेशन के केस में कौन लेगा, रिमेनिंग डिडक्शन बेसिकली रिजल्टिंग कंपनी आपकी ले लेगी। ठीक है, इजी है। 35 ये अपन थोड़ी देर बाद में करते हैं, उससे पहले आ जाते हैं सेक्शन 36 पे। अभी तक अपने कुछ जनरल सेक्शन देखे, स्पेसिफिक सेक्शन देखे जहां पर अपन ने क्या करा, ये देखा कि भाई कौन कौन से डिडक्शन अलाउड है। सेक्शन 36 अदर डिडक्शन की बात करता है जो आपको 36 में अलाउ कर दिए जाएंगे। क्या क्या है, आपने क्या करा, अपने स्टॉक पे इंश्योरेंस प्रीमियम पे करा, सरकार कहती है अलाउड है, कोई दिक्कत नहीं है। आपने अपनी क्या करा, पार्टनर की लाइफ पे इंश्योरेंस पॉलिसी ले ली, आपने अपनी पार्टनर की लाइफ पे इंश्योरेंस पॉलिसी ले ली। आप एक फर्म हो, ठीक है, आपके फर्म में दो पार्टनर्स है, आपने पार्टनर की पर्सनल लाइफ पे इंश्योरेंस पॉलिसी ले ली। इसका मतलब क्या है कि भाई अगर पार्टनर मर गया तो उसका पैसा किसको मिलेगा, पार्टनर को मिलेगा। सरकार कहती है ये पर्सनल खर्चा अलाउड नहीं है। लेकिन आपने क्या करा, प्रीमियम पे करा अंडर की मैन इंश्योरेंस पॉलिसी। की मैन इंश्योरेंस पॉलिसी क्या होती है, मैं एक फर्म हूँ, मेरे फर्म के अंदर दो पार्टनर है, आर और जी लिमिटेड। ठीक है, आर बहुत इंपॉर्टेंट पार्टनर है, तो की मैंने आर जो है फर्म का, आर फर्म का क्या है, की मैंने, तो फर्म ने सोचा कि भाई अगर आर मर जाता है, आर आर की अगर मृत्यु हो जाती है तो हमारी फर्म को बड़ा नुकसान होगा। तो आर ने क्या करा, की मैंने इंश्योरेंस पॉलिसी ले ली किसके नाम पे, आर के नाम पे, कि अगर आर की मृत्यु हो जाती है तो पैसा किसको मिलेगा, कंपनसेशन किसको मिलेगा, फर्म को मिलेगा, कंपनी को मिलेगा। तो उस केस में सरकार ने कहा कि भाई ये क्या है, बिजनेस का खर्चा है, अलाउ कर दिया जाएगा। क्योंकि आप क्या कर रहे हो, की मैन इंश्योरेंस पॉलिसी ले रहे हो नॉट फॉर द पर्पस ऑफ पार्टनर का लाइफ, बट फॉर द पर्पस ऑफ फर्म का भलाई, फॉर द पर्पस ऑफ कंपनी की भलाई। ओके, अच्छा एक और पॉइंट समझना, देखो क्या दे रखा है, आप अगर क्या करते हो अपने एम्प्लॉयर की, अपने सॉरी एम्प्लॉय की हेल्थ इंश्योरेंस पे, इंश्योरेंस पे अपने एम्प्लॉय की हेल्थ इंश्योरेंस पे प्रीमियम पे करते हो, अपने एम्प्लॉय की हेल्थ इंश्योरेंस पे प्रीमियम पे करते हो, सरकार कहती है आपको डिडक्शन बिल्कुल दे देंगे। बट ध्यान रखना, कंडीशन है कैश में आप खर्चा नहीं कर सकते, आप खर्चा जो है कैश में नहीं कर सकते। फिर देखना एक और पॉइंट, आप अपने एम्प्लॉयज को बोनस एंड कमीशन दे रहे हो, सरकार कहती है बिल्कुल अलाउड है, एम्प्लॉयज को अगर आप बोनस एंड कमीशन दे रहे हो बिल्कुल आपको डिडक्शन देंगे। लेकिन कंडीशन ये है, कंडीशन ये है कि वो डिविडेंड एंड प्रॉफिट का फॉर्म नहीं होना चाहिए। अच्छा मैं आपको लॉजिकली समझाता हूँ, होता क्या है, मैं कंपनी हूँ, अच्छा मैं कंपनी हूँ, अगर मैं डिविडेंड बांटूंगा, अगर मैं क्या करूंगा प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट करूंगा, तो क्या मुझे उसका डिडक्शन मिलेगा, नहीं मिलेगा। क्योंकि प्रॉफिट बांटना, डिविडेंड बांटना, ये कोई खर्चा नहीं है, ये तो कब निकलता है, जब मेरा एक्चुअल प्रॉफिट आ गया उस प्रॉफिट को मैं डिस्ट्रीब्यूट कर रहा हूँ। तो इनकम टैक्स में डिविडेंड बांटना, प्रॉफिट बांटना, ऑफकोर्स आपका खर्चा होता नहीं, राइट, अपन अकाउंट्स में भी यही चीज पढ़ते हैं। अब एक चीज समझना, मैं एक एम्प्लॉय हूँ, मैं कंपनी का शेयरहोल्डर हूँ, कंपनी है, कंपनी अगर मुझे क्या करेगी, डिविडेंड बांटेगी, तो कंपनी को उसका खर्चा अलाउड नहीं होगा। लेकिन मेरे हाथ में तो वो टैक्सेबल है, तो कंपनी ने ये सोचा कि भाई मैं डिविडेंड ना देके मैं इसको क्या दिखा देती हूँ, बोनस एंड कमीशन दिया मैंने आर को। ठीक है, तो कंपनी ने दिमाग लगाया कि भाई मैं डिविडेंड की बजाय मैं इसको क्या दे दूँ, क्या दिखा दूँ कि भाई ये बोनस एंड कमीशन है एम्प्लॉय को। तो सरकार ने कहा अगर आपने कोई ऐसा अरेंजमेंट करा जिसकी वजह से आप टैक्स इविट करना चाह रहे हो, कैसे टैक्स इविट होगा, मैं क्या कर रहा हूँ डिविडेंड को बोनस एंड कमीशन दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। कंपनी क्या कर रही है, डिविडेंड को बोनस एंड कमीशन दिखाने की कोशिश कर रही है, जिससे कि होगा क्या कि भाई कंपनी उसका खर्चा क्लेम करेगी, मतलब उतने अमाउंट पे उसको कम टैक्स पे करना पड़ेगा। तो सरकार ने कहा कि भाई अगर आप बोनस एंड कमीशन देना चाहते हो बिल्कुल अलाउड है, दे सकते हो, बट वो डिविडेंड या प्रॉफिट का पार्ट नहीं होना चाहिए, राइट। सो अदर देन पेबल टू देम एज प्रॉफिट एंड डिविडेंड। तो मैंने आपको लॉजिकली समझाया, लॉजिकली याद रखोगे तो एग्जाम तक रिटेन कर पाओगे। ठीक है, अच्छा एक और चीज समझना, आपने जो है कैपिटल बोरो करा, आपने जो है लोन वोन लिया, कैपिटल बोरो करा, तो सरकार कहती है कि जो भी आपने इंटरेस्ट पे करा है वो अलाउ कर दिया जाएगा। लेकिन एक चीज है, एक ट्विस्ट है, क्या ट्विस्ट है कि अगर आपने एसेट को एक्वायर करने के लिए, अगर आपने क्या करा है एसेट को एक्वायर करने के लिए कोई कैपिटल बोरो करा है, अगर आपने एसेट को एक्वायर करने के लिए क्या करा है,
एसेट को एक्वायर करने के लिए वो कैपिटल बोरो कराया था, उस पर जो भी इंटरेस्ट सरकार कहती है कि जो भी इंटरेस्ट एसेट की पुट टू यूज डेट तक का है वो क्या होगा, कैपिटलाइज होगा, मतलब एक्चुअल कॉस्ट में ऐड हो जाएगा, उसको आपको डिप्रिसिएशन करना पड़ेगा। और पुट टू यूज डेट की बात का, पुट टू यूज की डेट की बात का जो भी इंटरेस्ट है उसको आप क्या कर सकते हो, पीएनएल में राइट ऑफ कर सकते हो, ईजी है। अच्छा नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं अपन, डिस्काउंट ऑन जीरो कूपन बॉन्ड्स। देखो जीरो कूपन बॉन्ड्स होते क्या है, एक तरह के ऐसे बॉन्ड होते हैं जो जिसकी फेस वैल्यू फॉर एग्जांपल 100 रुपए है, सरकार कहती है कि आज की डेट पे आप हमें 90 रुपए दे दो, मैं हम आपको जो है 5 साल बाद 100 रुपए लौटा देंगे। तो सरकार बेसिकली बॉन्ड इशू करती है, सरकार सरकार इन्वेस्टर्स को क्या कहती है कि आज की डेट पे आप हमें 90 रुपए दे दो, हम 5 साल बाद आपको 100 रुपए दे देंगे। सरकार इस पर कोई ब्याज नहीं देगी, बस 5 साल बाद जाकर आपको क्या कर देगी, 100 रुपए दे देगी। तो ऐसे ही कंपनी ने क्या करा, जीरो कूपन बॉन्ड इशू करे, कंपनी ने जीरो कूपन बॉन्ड इशू करे 90 रुपए पे, ठीक है, मतलब 90 रुपए ले लिए, 5 साल बाद उसको क्या करना है, 100 रुपए लौटाने। अब ये सवाल आता है जो 10 रुपए का कंपनी को एक्सपेंस पड़ेगा, 10 रुपए का जो कंपनी का खर्चा है उसका क्या करा जाए, सरकार कहती है कि आप इसको क्या कर सकते हो, अमोटाइज कर सकते हो, एक्सपेंस क्लेम कर सकते हो ओवर द लाइफ ऑफ द बॉन्ड। सो फ्रॉम द रेट ऑफ मेच्योरिटी, जिस दिन मैंने इशू करा टिल द रेट ऑफ मेच्योरिटी, जितना भी अमाउंट बनता है उसको आप क्या कर दो, डिवाइड कर दो ओवर द लाइफ ऑफ द बॉन्ड्स, ठीक है। अच्छा जो भी आपकी बॉन्ड की लाइफ है उसको क्या करना पड़ेगा, आपको मंथ्स में कन्वर्ट करना पड़ेगा, ठीक है। जो भी आपकी बॉन्ड्स की लाइफ है उसको कैलेंडर मंथ्स में कन्वर्ट कर लो और उसके बेसिस पे आप क्या करो, डिडक्शन ले लो। फॉर एग्जांपल आज मैंने क्या करा, बॉन्ड इशू करा जनवरी में, तो करंट ईयर मार्च में खत्म हो जाता है, तो करंट महीने में कितने महीने आए, जन फेब एंड मार्च, तो सरकार कहती है कि करंट महीने में सिर्फ 3 महीने का आपको डिडक्शन मिलेगा। इस तरह से आप क्या कर सकते हो, ओवर द लाइफ ऑफ द बॉन्ड मंथ्स के बेसिस पे डिसाइड कर सकते हो कि भाई कितना आपको डिडक्शन क्लेम करना है, राइट। अच्छा एक और चीज समझना, मंथ्स कैसे डिसाइड करेंगे, तो सरकार ने कहा कि अगर आपने बॉन्ड इशू कराया किसी महीने में 15 तारीख के बाद, ठीक है, अगर किसी महीने में 15 तारीख के बाद बॉन्ड इशू कराए तो उसको अपन क्या करेंगे, इग्नोर करेंगे, मतलब उसको मंथ में काउंट नहीं करेंगे। लेकिन फॉर एग्जांपल अगर आपने मंथ में बॉन्ड इशू कराया 10 जनवरी को, मतलब 10 जनवरी से लेके 31 जनवरी तक कितने दिन होते हैं, 15 दिन से ज्यादा होते हैं ना, तो उसको अपन मंथ मंथ काउंट कर लेंगे, ठीक है। ये आपको एग्जाम्पल से समझ में आएगा, जो अपन इलस्ट्रेशन करेंगे आईसीएमएट के उसमें आपको और क्लैरिटी मिल जाएगी। तो आपको इतना ध्यान रखना है कि अगर आपका जीरो कूपन बॉन्ड है, अगर आपका जीरो कूपन बॉन्ड है तो आपको क्या करना है, उसका जो भी डिस्काउंट है ओवर द लाइफ ऑफ द बॉन्ड आप क्या कर सकते हो, उसको एक्सपेंस क्लेम कर सकते हो। लाइफ कैसे निकालोगे, बॉन्ड की लाइफ को कैलेंडर मंथ्स में कन्वर्ट कर लेना, और कैलेंडर मंथ्स में कैसे कन्वर्ट करोगे, अगर कोई बॉन्ड आपने महीने में 15 दिन के बाद इशू कराए, मतलब टोटल महीने में उसके दिन 15 दिन से कम आ रहे हैं तो उसको अपन इग्नोर करेंगे, और किसी बॉन्ड को अगर आपने क्या करा है, इशू कराए किसी महीने में जिसमें 15 दिन से ज्यादा है, फॉर एग्जाम्पल आपने 10 तारीख को इशू कर दिया, तो 10 जनवरी से लेकर 31 जनवरी तक 20 दिन होते हैं ना, 21 दिन होते हैं, तो सरकार ने कहा 15 दिन से ज्यादा है तो उसका वन मंथ काउंट कर लेना, ठीक है। जिसको आपको एग्जांपल से समझाऊं, क्या समझाने की जरूरत है, आई थिंक आप समझ गए होंगे ना, अपना थोड़ा रिवीजन का टाइम है तो मैं सोच रहा हूं कि आपका थोड़ा सा समय कम यूटिलाइज करूं तो आप समझ जाओगे इसको। फिर देखना, कंट्रीब्यूशन टू एम्प्लॉय का प्रोविडेंट फंड, सुपर एनुएशन फंड, ठीक है, कंट्रीब्यूशन टू एम्प्लॉय का प्रोविडेंट फंड या सुपर एनुएशन फंड। तो बेसिकली होता ही है कि सरकार ने एक फंड बना रखा है, किसके लिए बना रखा है, अपने एम्प्लॉयज के लिए बना रखा है। सरकार चाहती है कि भाई जो भी एम्प्लॉय कंपनी में काम कर रहा है उसके लिए एक फंड बने, ताकि इस फंड में होता क्या है, देखो मैं आपको बता देता हूं, इस फंड में होता यह है कि सरकार ने कंट्रीब्यूशन बनाया, क्या है, एम्प्लॉय का कंट्रीब्यूशन फंड। इसमें आपका जो एम्प्लॉयर है कौन है, आपका जो एम्प्लॉयर है वो कंट्रीब्यूशन करेगा, आपका जो एम्प्लॉय है वो कंट्रीब्यूशन करेगा, और जब एम्प्लॉय का क्या होगा, रिटायरमेंट होगा, जब एम्प्लॉय का क्या होगा, रिटायरमेंट होगा, तो उस रिटायरमेंट टाइम पे जो टोटल पैसा है ना ये एम्प्लॉय को मिल जाएगा, ताकि एम्प्लॉय रिटायरमेंट के बाद भी अपनी जिंदगी अच्छे से जी सके। समझ में कहानी, तो सरकार ने एक एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड बनाया, एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड बनाया या फिर एम्प्लॉय का सुपर एनुएशन फंड बनाया, ठीक है। अच्छा इसमें अगर एम्प्लॉय को कंट्रीब्यूशन करना जरूरी होता है, उसने कंट्रीब्यूशन कराया तो उसको डिडक्शन बिल्कुल दे दिया जाएगा, ठीक है, समझ में आ गई कहानी। तो अपन ने देखा कि भाई अगर 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 क्या हो रहा है, एम्प्लॉय कंट्रीब्यूट कर रहा है किसमें, एम्प्लॉय के प्रोविडेंट फंड में, एम्प्लॉय अगर कंट्रीब्यूट कर रहा है एम्प्लॉय के प्रोविडेंट फंड में या फिर सुपर एनुएशन फंड में, उसको उसका डिडक्शन बिल्कुल दे दिया जाएगा, थम्स अप। अब एक और चीज देखना, एम्प्लॉयर का कंट्रीब्यूशन, एम्प्लॉयर का कंट्रीब्यूशन टू द अकाउंट ऑफ एम्प्लॉय अंडर द पेंशन स्कीम रेफर टू इन 80CCD। अच्छा 80CCD में कौन सी पेंशन स्कीम है, ये अपन जब चैप्टर 6 के डिस्कशन करेंगे आपको समझ में आएगी। अभी आपको इतना ध्यान रखना है कि सेक्शन 80CCD में जो सरकार की पेंशन स्कीम है किसके लिए, एम्प्लॉय के लिए, उसमें एम्प्लॉयर ने कंट्रीब्यूशन करा है, एम्प्लॉयर ने कंट्रीब्यूशन करा है, बिल्कुल उसको डिडक्शन दे दिया जाएगा। बस कंडीशन क्या है, एक लिमिट लगा दी, कितनी लिमिट है, एम्प्लॉयर कितना कंट्रीब्यूट कर सकता है, अप टू 10% ऑफ सैलरी ऑफ द एम्प्लॉय इन द प्रीवियस ईयर। तो जो भी एम्प्लॉय की सैलरी है प्रीवियस ईयर में उसका 10% वो एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूट कर सकता है, तो अप टू 10% का ही डिडक्शन एम्प्लॉयर को मिलेगा। अच्छा अपन ने बात करी कि 10% ऑफ सैलरी, सैलरी का मतलब क्या, देखो सैलरी का मतलब इधर अपन पढ़ते हैं, सैलरी फॉर दिस पर्पस इंक्लूड्स डीए, सैलरी के अंदर डीए इंक्लूड होगा, डीएनएस अलाउंस इंक्लूड होगा अगर टर्म्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट सो प्रोवाइड, बट एक्सक्लूड्स ऑल अदर अलाउंसेस एंड परक्यूजेस, ठीक है। तो सैलरी के अंदर डीए इंक्लूड होगा, उसके अलावा सारे परक्यूजेस एंड अलाउंसेस एक्सक्लूड करने हैं अपने को। अच्छा अपन देखने जा रहे हैं, तो इसके लिए मैं आपको ऊपर वाला फंडा वापस समझाता हूं। वो क्या था कि भाई अपन ने एक सरकार ने एक क्या बनाया था, एम्प्लॉय का प्रोविडेंट फंड बनाया था। इसके अंदर कौन कौन कंट्रीब्यूट करता है, इसके अंदर बेसिकली एक तो एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूट करता है,
और ये बेसिकली कौन करता है, कंट्रीब्यूट, इंप्लॉय कंट्रीब्यूट करता है। फटाफट देख लेना होता क्या है कि भाई जो इंप्लॉय ने कंट्रीब्यूट करा उसका तो इंप्लॉय को डिडक्शन मिल गया था, ठीक है, जो इंप्लॉय ने कंट्रीब्यूट करा उसका तो डिडक्शन मिल गया, किसको, इंप्लॉयर को। अच्छा, इंप्लॉय को भी कंट्रीब्यूट करना होता है, लेकिन जनरली होता क्या है कि भाई इंप्लॉय खुद से कंट्रीब्यूट नहीं करता, जो इंप्लॉयर होता है वो क्या करता है, बेसिकली इंप्लॉय की सैलरी में से इतना पैसा काट लेता है और इंप्लॉय के बिहाफ पे जमा करा देता है। कहानी समझ में आ गई। तो सरकार ने कहा कि भाई आपने खुद कंट्रीब्यूशन करा उसका आपका डिडक्शन मिल गया, आपने जो इंप्लॉय का पैसा काट लिया उनकी सैलरी में से ताकि आप उनके बिहाफ पे क्या करो, पीएफ में जमा कराओ, उसका भी हम आपको डिडक्शन दे देंगे, उसका भी हम आपको डिडक्शन दे देंगे, बट कंडीशन क्या है कि भाई आपको जो है उसको विदिन ड्यू डेट जमा कराना पड़ेगा। तो जिस साल जिस महीने आपने डिडक्ट करा उस महीने की 15 दिन के अंदर आपको जमा कराना पड़ता है प्रोविडेंट फंड में। तो अगर आपने 15 दिन के अंदर जमा करा दिया तो आपको क्या मिल जाएगा, डिडक्शन मिल जाएगा, अदरवाइज वो आपकी इनकम मानी जाएगी। समझ में आ गई कहानी। तो देखो वही है, अमाउंट रिसीव बाय द एसएससी एम्प्लॉयर, एम्प्लॉयर एज अ कंट्रीब्यूशन फ्रॉम हिज एम्प्लॉइज, कैसे मिलता है, वो सैलरी में से डिडक्ट कर लेता है टुवर्ड्स देयर वेलफेयर फंड, टू बी अलाउड ओनली सच अमाउंट इज क्रेडिटेड। मतलब आपने क्या करा, जो पैसा उनसे उनकी सैलरी में से काटा वो आपने विदिन 15 डेज में जमा करा दिया। विदिन 15 डेज ऑफ द एंड ऑफ द मंथ अगर आप जमा करा दोगे, विदिन 15 डेज ऑफ द एंड ऑफ द मंथ अगर आप जमा करा दोगे तो आपकी क्या हो जाएगा, वो आपको डिडक्शन मिल जाएगा। तो बेसिकली होता यह है कि जो भी एम्प्लॉयर ने एम्प्लॉयर का पैसा काटा है वो उसकी पहले इनकम बन जाती है, और अगर वो विदिन 15 डेज जमा करा देता है तो उसका एक्सपेंस भी क्लेम कर सकता है, इनकम नहीं उतना ही एक्सपेंस क्लेम कर लिया, नलीफाई हो गया, ठीक है। लेकिन सरकार ने ऐसा क्यों करा, सरकार ने इसको इनकम इसलिए बनाई ताकि एम्प्लॉयर एम्प्लॉय का पैसा काट ले, सॉरी सरकार ने इस चीज को इसलिए इंप्लीमेंट करा ताकि एम्प्लॉयर ऐसा ना करे कि भाई उसने एम्प्लॉय का पैसा काट लिया और जमा नहीं कराया, ठीक है। तो एम्प्लॉयर समय के समय विदिन 15 डेज पैसा जमा करा दे, इसलिए सरकार ने कहा कि आपको क्या करना पड़ेगा, इसको अपनी इनकम मानना पड़ेगा। तो पहले इसको अपनी इनकम मान लो, इनकम मान लो कि का मतलब क्या है कि भाई आपकी ये इस पर आपको टैक्स देना पड़ जाएगा, और अगर आपने जमा करा दिया तो उतना ही एक्सपेंस क्लेम कर लो। अगर आपने जमा नहीं कराया विदिन 15 डेज, विदिन 15 डेज की बात कर रहा हूँ, अगर एक दिन भी लेट कर दिया तो आपको एक्सपेंस नहीं मिलेगा। तो विदिन 15 डेज अगर आपने जमा करा दिया तो आपको क्या मिल जाएगा, उसका खर्चा क्लेम कर सकते हो, उसका एक्सपेंस मिल जाएगा। इधर तक कहीं समझाई। अच्छा, एक चीज अपने ऊपर छोड़ी थी वो देख लेते हैं। कहाँ गई, अच्छा उधर देखी थी अपन ने, प्लांट मशीन में देखी थी। देखो मैंने आपको एक चीज बताई थी कि भाई अपन जब प्लांट प्लांट की डेफिनेशन कर रहे थे, प्लांट और मशीनरी, तो मैंने आपको एक चीज बताई थी कि जो अपने लाइफ स्टॉक होते हैं, मतलब जानवर होते हैं, जो अपने लाइफ स्टॉक होते हैं जो जानवर होते हैं, ठीक है, जो अपने लाइफ स्टॉक होते हैं जो जानवर होते हैं वो प्लांट और मशीनरी नहीं होते। क्यों नहीं होते, क्योंकि अपन सेक्शन 36 में एक चीज देखते हैं उसके बेसिस पे। सेक्शन 36 कहाँ गया अपना, अच्छा ये वाला पॉइंट आपको समझ में आ गया ना चित्रा, मैंने अपनी पूरा बेस्ट देके आपको लॉजिकली समझा दी कि भाई ऐसा हो क्यों रहा है, एम्प्लॉय ने पैसा काटा जमा नहीं कराया तो इनकम तो बन गई उसकी, लेकिन एक्सपेंस क्लेम नहीं कर सकता। एम्प्लॉय ने पैसा काटा उसकी इनकम बन गई, जमा करा दी तो एक्सपेंस भी क्लेम कर सकता है, तो उस पर उसको टैक्स देने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो सरकार ने कहा अगर आपने एम्प्लॉय का पैसा काट लिया, अगर आपने एम्प्लॉय का पैसा काट लिया तो आपको जमा कराना पड़ेगा, और अगर आपने जमा नहीं कराया तो आपकी इनकम बन जाएगी, उसको आपको टैक्स देना पड़ जाएगा। तो विदिन 15 डेज फ्रॉम द एंड ऑफ द मंथ अगर आप जमा करा देते हो, विदिन 15 डेज फ्रॉम द एंड ऑफ द मंथ अगर आप जमा करा देते हो तो उसका आप खर्चा क्लेम कर सकते हो। भाई आप क्या करें, आप एक घोड़ा लेके आए, 100 रुपए का घोड़ा लेके आए, आप एक 100 रुपए का घोड़ा लेके आए, सरकार कहती है कि जब आप कोई लाइफ स्टॉक खरीद के लेके आते हो आपको डिडक्शन नहीं देंगे। जब ये घोड़ा मर जाएगा ना, जब ये घोड़ा मर जाएगा तो आप इस घोड़े की लाश को जब बेचोगे या फिर जो भी उसका पार्ट्स है उसको आप बेच दोगे, तो फॉर एग्जाम्पल जो भी स्क्रैप वैल्यू बनती है, कितनी मिली स्क्रैप वैल्यू, 30 रुपए ले लेते हैं। तो सरकार कहती है कि जब आप घोड़ा लेके आए 100 रुपए का, हम आपको डिडक्शन नहीं दे रहे हैं। जब ये एनिमल मर जाएगा, जब आप इसकी बॉडी बॉडी को बेचोगे, जो भी आपको स्क्रैप वैल्यू मिल जाएगी वो नोट कर लेना। तो जो भी आपका कॉस्ट है, कॉस्ट में से आप स्क्रैप को लेस कर देना, जो भी आपका अमाउंट बचता है, 70 रुपए आपका नुकसान हुआ ना, तो 70 रुपए का आप डिडक्शन बाद में ले लेना। तो लाइफ स्टॉक मैंने आपको बताया था प्लांट एंड मशीनरी नहीं है, क्यों नहीं है, सरकार ने उसके लिए एक चीज कह दी कि भाई जो आपके लाइफ स्टॉक होते हैं उसके लिए हम आपको इस तरह से डिडक्शन देंगे। तो सरकार ने क्या कहा, डिडक्शन इन रिस्पेक्ट ऑफ एनिमल्स विच हैव डाइड और बिकम परमानेंटली यूजलेस, किस तरह से मिलेगा, जब वो मर जाता है या परमानेंटली यूजलेस हो जाता है तो हम डिडक्शन दे देंगे। कैसे, तो जो भी आपका एक्चुअल कॉस्ट है उसमें से हम क्या करेंगे, स्क्रैप वैल्यू को लेस कर देंगे, और आपका नुकसान कितना हुआ 70 रुपए का, उसका आप डिडक्शन क्लेम कर सकते हो, ठीक है। तो 100 रुपए का आपका खर्चा था, 30 रुपए आपको वापस मिल गए, 70 रुपए का आपका खर्चा हुआ ना, तो सरकार कहती है 70 रुपए आप क्लेम कर सकते हो बाद में जब घोड़ा मर जाता है। ऑलराइट, अपन नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं, बैड डेट को अपन थोड़ा लास्ट में समझेंगे। देखो सरकार ने कहा कि भाई आप एक स्पेसिफाइड एंटिटी हो, कौन कौन सी स्पेसिफाइड एंटिटी हो, तो स्पेसिफाइड एंटिटी का मतलब है ये
सरकार ने कहा कि भाई अगर आप एक स्पेसिफाइड एंटिटी हो ये वाली तो आपको डिडक्शन देंगे। किसका डिडक्शन देंगे? अगर आपने क्या करा है, एक स्पेशल रिजर्व अकाउंट में पैसा ट्रांसफर करा है, तो सरकार कहती है कि जो भी अमाउंट आपने ट्रांसफर करा है किसमें, स्पेशल रिजर्व अकाउंट में। सरकार ने एक स्पेशल रिजर्व अकाउंट बनाया, ये कमी कौन सी, जैसे अपन थोड़े आगे में पढ़ेंगे। तो सरकार ने कहा कि अगर आप एक स्पेसिफाइड एंटिटीज हो, अगर आप एक स्पेसिफाइड एंटिटीज हो, अगर आप क्या करते हो स्पेशल रिजर्व जो हमने बना रखा है उसमें पैसा ट्रांसफर करते हो तो आपको डिडक्शन देंगे। बस कुछ लिमिट्स है, क्या लिमिट्स है देखो, कंपनी ने जितना भी ट्रांसफर करा और 20% ऑफ प्रॉफिट डिराइव फ्रॉम द एलिजिबल बिजनेस बिफोर दिस डिडक्शन और फ्यूचर इज लोअर होगा, ये डिडक्शन शैल बी लीस्ट ऑफ द फॉलोइंग। लीस्ट ऑफ द फॉलोइंग मतलब लोअर ऑफ द फॉलोइंग, आपने जितना पैसा ट्रांसफर करा 20% ऑफ द प्रॉफिट्स और 200% 200% और 200% ऑफ द पेड अप कैपिटल एंड जनरल रिजर्व 200% ऑफ द पेड अप कैपिटल एंड जनरल रिजर्व लेस एग्रीगेट अमाउंट कैरी टू द स्पेशल रिजर्व अकाउंट। इधर तक नहीं समझ आई? मतलब बेसिकली इन तीनों में से जो भी लेस है उसका आपको डिडक्शन दे दिया जाएगा। तो सबसे पहले अपन ये देख लेते हैं कि स्पेसिफाइड एंटिटी कौन है। देखो स्पेसिफाइड एंटिटी का मतलब क्या है, स्पेसिफाइड एंटिटी का मतलब इन लोगों ने बताया कोई भी बैंकिंग कंपनी, कोई भी कोऑपरेटिव बैंक, कोई भी फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन जो किसका बिजनेस कर रही है। बिजनेस देखना, बिजनेस ऑफ प्रोवाइडिंग लॉन्ग टर्म फाइनेंस, आप क्या करते हो पैसा उधार पे देते हो, किस लिए, इंडस्ट्रियल या फिर एग्रीकल्चर डेवलपमेंट के लिए, डेवलपमेंट ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटी या डेवलपमेंट ऑफ हाउसिंग। मतलब कोई भी फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन, कोई भी बैंक, कोई भी फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन, कोई भी बैंक, कोई भी फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन और कोई भी बैंक क्या कर रही है, बेसिकली पैसा उधार पे दे रही है। किस लिए उधार पे दे रही है? ताकि आपका क्या हो, इंडस्ट्रियल फिर एग्रीकल्चर डेवलपमेंट हो, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप हो या फिर हाउसिंग फैसिलिटी डेवलप हो। अच्छा इसी तरह से नीचे कोई हाउसिंग फाइनेंस कंपनी है, कोई हाउसिंग फाइनेंस कंपनी जो क्या कर रही है, लोन दे रही है किसके लिए, फॉर द परचेज द कंस्ट्रक्शन ऑफ रेसिडेंशियल हाउस। कोई भी अदर फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन है इंक्लूडिंग द पब्लिक कंपनी, वो क्या कर रही है, लॉन्ग टर्म फाइनेंस दे रही है फॉर द डेवलपमेंट ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर। ये सब आपको याद करने की जरूरत नहीं है, ठीक है? तो ये सब आपको याद करने की जरूरत नहीं है, आपको इतना सा ध्यान रखना है। क्वेश्चन अगर आएगा तो आएगा किस बात से, स्पेशल रिजर्व अकाउंट से, कि भाई अगर कंपनी, अगर एक स्पेसिफाइड एंटिटी है, अगर एक स्पेसिफाइड एंटिटी है, कहां गया, हाँ, अगर एक स्पेसिफाइड एंटिटी है और वो क्या कर रही है, स्पेशल रिजर्व अकाउंट में कुछ पैसा ट्रांसफर कर रही है तो उसको डिडक्शन कितना मिलेगा, तो आपको ध्यान रखना है अमाउंट ट्रांसफर एक्चुअल में कितना ट्रांसफर करा और 20% ऑफ द प्रॉफिट और 200% ऑफ पेड अप कैपिटल जनरल रिजर्व। क्या करोगे आप, पेड अप कैपिटल कंपनी का और जनरल रिजर्व उठा लेना, उसका 200% निकालना, माइनस माइनस कर देना क्या, एग्रीगेट अमाउंट कैरी टू द जनरल रिजर्व। आज से पहले अगर आपने स्पेशल रिजर्व अकाउंट में ट्रांसफर कराए तो कितना अमाउंट ट्रांसफर कराए वो निकाल देना। तो बेसिकली 200% ऑफ पेड अप कैपिटल जनरल रिजर्व माइनस एग्रीगेट अमाउंट कैरी टू द स्पेशल रिजर्व अकाउंट। मतलब अगर पिछले सालों में आपने क्या कर रखा है, कोई पैसा ट्रांसफर कर रखा है ऑलरेडी, तो क्या करोगे 200% ऑफ पेड अप कैपिटल जनरल रिजर्व में से इसको लेस कर देना। अच्छा इन तीनों फिगर्स में से जो भी लेस्ट है, जो भी लेस है उसका आपको डिडक्शन करंट ईयर में मिल जाएगा। तो मैंने आपको बताया, आपको जो है ये कंपनी के नाम याद करने की जरूरत नहीं है, ठीक है? आपको जो कंपनी के नाम याद करने की जरूरत नहीं है। क्वेश्चन आएगा किस तरह से आएगा कि अगर आप एक स्पेसिफाइड एंटिटी हो और आपने स्पेशल रिजर्व अकाउंट में पैसा ट्रांसफर कराया तो आपको कितना डिडक्शन मिलेगा, आपको ये लिमिट ध्यान रखनी है, अमाउंट ट्रांसफर 20% ऑफ प्रॉफिट या फिर 200% ऑफ पेड अप कैपिटल एंड जनरल रिजर्व माइनस माइनस क्या, एग्रीगेट अमाउंट आप ऑलरेडी ट्रांसफर कर चुके हो, एग्रीगेट अमाउंट ऑलरेडी ट्रांसफर टू द स्पेशल रिजर्व अकाउंट इन द प्रीवियस ईयर, ठीक है? तो अगर पहले साल है, पहला साल है तो ये वाला कुछ होगा ही नहीं क्योंकि आपने पहले कुछ ट्रांसफर कर ही नहीं रखा होगा, तो विचर इस लोअर आपको डिडक्शन दे दिया जाएगा। अच्छा एक और चीज देखना, अगर आपने स्पेशल रिजर्व अकाउंट से पैसा विड्रॉ कर लिया तो टैक्सेबल हो जाएगा इन द ईयर ऑफ विड्रॉल। तो सरकार ने जब आपने पैसा जमा कराया तो डिडक्शन दे दिया, सरकार कहती है जब आप पैसा विड्रॉ कर लोगे तो अगर आपने पैसा विड्रॉ कर लिया तो क्या हो जाएगा, टैक्सेबल हो जाएगा, उस पर आपको टैक्स देना पड़ेगा। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। बैटेट अभी अपन देखते हैं, फिर देखो एक पॉइंट दे रखा है, एक्सपेंडिचर ऑन फैमिली प्लानिंग अमाउंट इज इंप्लाइज। देखो हो क्या रहा था, जब कांग्रेस की सरकार थी तो इंडिया लगी हुई थी पॉपुलेशन को बढ़ाने में, आप मेरी बात समझ पा रहे होंगे। तो जब कांग्रेस की सरकार चल रही थी तो हुआ ये था कि भाई इंडिया की पॉपुलेशन बढ़ती जा रही थी, बढ़ती जा रही थी, बढ़ती जा रही थी, तो सरकार ने एक स्टेप उठाया, सरकार ने कहा कि भाई नसबंदी कराओ, समझ रहे हो, मतलब मर्दों की नसबंदी कराओ ताकि पॉपुलेशन कम हो, और ये सेक्शन अभी तक चल रहा है। देखो तो उस समय ये सरकार ने बोला था कि यार आदमियों की नसबंदी करानी पड़ेगी अदरवाइज पॉपुलेशन कंट्रोल नहीं कर सकते। तो उस समय सरकार ने एक प्रोविजन बनाया कि अगर क्या कर रही है कोई कंपनी अपने एम्प्लॉयज का फैमिली प्लानिंग कर रही है, मतलब अपने एम्प्लॉयज की नसबंदी करा रही है और उस पर जो भी खर्चा कर रही है उसको उसका डिडक्शन मिल जाएगा। तो सरकार ने कहा कि भाई जो भी कंपनी क्या कर रही है फैमिली प्लानिंग अमंग इट्स एम्प्लॉयज के रिलेशन में कोई भी खर्चा कर रही है तो उसको डिडक्शन दे दिया जाएगा। अच्छा अगर आपने कोई कैपिटल खर्चा कर दिया, मतलब आपने तो भाई आप तो एक कंपनी चला रहे थे और आपने तो मस्त एक बिल्डिंग बना दी कि भाई नसबंदी हम इसी बिल्डिंग में करेंगे, तो सरकार कहती है कि अगर आपने कोई कैपिटल एक्सपेंडिचर करा तो बिल्कुल आप क्या कर सकते हो उस पर डेप्रिसिएशन, आप नहीं उस पर डेप्रिसिएशन मत लेना, उसका जो भी खर्चा है वो अगले 5 साल में इक्वल इंस्टॉलमेंट में क्लेम कर लेना। इधर तक आनी समझ में आ गई। अच्छा एक और देखना, अगर आपका क्या होता है अनअब्जॉर्ब कैपिटल एक्सपेंडिचर बच जाता है, जैसे अपन ने देखा था ना अनअब्जॉर्ब डेप्रिसिएशन बच जाता है, अनअब्जॉर्ब साइंटिफिक रिसर्च का खर्चा बच जाता है, तो वैसे ही अगर आपका कोई अनअब्जॉर्ब फैमिली प्लानिंग का कैपिटल एक्सपेंडिचर बच गया तो उसका ट्रीटमेंट क्या होगा, सेम एज
अनऑब्जर्व्ड डेप्रिसिएशन, तो अनऑब्जर्व्ड डेप्रिसिएशन अपने लेक्चर 1 में देखा था, अनऑब्जर्व्ड डेप्रिसिएशन का किस तरह से अपन ट्रीटमेंट करते हैं, सेम टू सेम ट्रीटमेंट वैसे ही होगा। अच्छा देखा, आपने कैपिटल एक्सपेंडिचर करा ऑन फॉर प्रमोटिंग फैमिली प्लानिंग, आपने नसबंदी कराने के लिए कैपिटल एक्सपेंडिचर कर दिया और जो भी आपने एसेट वैसे ली थी उसको आपने ट्रांसफर कर दिया, तो सरकार कहती है कि अगर आपने ट्रांसफर कर दिया ना तो उसको आप सेम तरह से ट्रीट करोगे, ट्रीटेड इन द सेम वे एज कैपिटल एक्सपेंडिचर फॉर साइंटिफिक रिसर्च। तो सेक्शन 35 जो अपने फर्स्ट लेक्चर में पढ़ा था, सेक्शन 35 साइंटिफिक रिसर्च जो अपने फर्स्ट लेक्चर में पढ़ा था, अगर उसके एसेट को आप ट्रांसफर कर देते हो तो होता क्या है, जो भी सेल अमाउंट है या फिर डिडक्शन व्हिचएवर इज लोअर टैक्स बिल जाता ना, तो सेम तरीके से जो आपने फैमिली प्लानिंग पर कैपिटल एक्सपेंडिचर कराया उसका भी ट्रीटमेंट सेम तरह से होगा एज कैपिटल एक्सपेंडिचर वाला। इधर तो कहानी समझ में आ गई आपको, ये बड़ा अटपटा सेक्शन है, बड़ा अटपटा टॉपिक है कि भाई हम नसबंदी कराने के लिए आपको प्रमोट कर रहे हैं, तो ये शायद अभी अभी ये अभी नहीं चलता ये, बट स्टिल फैमिली प्लानिंग और भी बहुत तरीके से हो सकती होगी, ठीक है। तो अगर कंपनी फैमिली प्लानिंग पर खर्चा करती है तो उसको डिडक्शन दे दिया जाएगा। तो मैंने आपको ये नसबंदी वाला एग्जाम्पल इसे बताया ताकि आपको ये लॉन्ग टर्म तक रिटर्न रहे। अच्छा ध्यान रखना ये सिर्फ एम्प्लॉयज के लिए, अपने कस्टमर्स की नसबंदी मत करा देना कस्टमर भाग जाएंगे छोड़ के, अपने सिर्फ एम्प्लॉयज की, अपने सिर्फ एम्प्लॉयज की नसबंदी कराना, आपका हक सिर्फ और सिर्फ अपने एम्प्लॉयज तक है। भाई साहब तो देखो आपको जो है सिक्योरिटी और कमोडिटीज अगर आपने क्या कर रखी है एज अ एसआईटी होल्ड करके रखी है, इसका मतलब यह है कि आप क्या करते हो सिक्योरिटीज और कमोडिटीज के बिजनेस में इन्वॉल्व हो। अच्छा सिक्योरिटीज और कमोडिटीज को बेचने का काम करते हो, तो सरकार ये कहती है कि जो भी आप सीटीटी और एसटीटी पे करोगे सिक्योरिटी ट्रांजेक्शन टैक्स या कमोडिटी ट्रांजेक्शन टैक्स वो आपको जो है एज अ डिडक्शन अलाउ कर दिया जाएगा। तो कंडीशन क्या है कि भाई आपका जो सिक्योरिटीज और कमोडिटी है वो एज अ एसआईटी होना चाहिए। अगर सिक्योरिटीज और कमोडिटी आपकी इन्वेस्टमेंट की तरह है तो हम सीटीटी और एसटीटी का डिडक्शन आपको नहीं देंगे, ठीक है। तो एसटीटी और सीटीटी का डिडक्शन आपको कब मिलेगा, जब बेसिकली आपने उसको एज अ एसआईटी रख रखा है। अच्छा नेक्स्ट पॉइंट देखना, देखो नेक्स्ट पॉइंट क्या दे रखा है, एक्सपेंडिचर इनकर्ड बाय द कोऑपरेटिव सोसाइटी, एक कोऑपरेटिव सोसाइटी ने एक्सपेंडिचर करा है एंगेज इन द बिजनेस ऑफ मैन्युफैक्चरिंग ऑफ शुगर। अच्छा कोऑपरेटिव सोसाइटी क्या करती है, शुगर को मैन्युफैक्चर करती है। अच्छा उसने क्या करा है, शुगर को परचेज करा है एट अ प्राइस इक्वल टू और लेस देन द प्राइस फिक्स्ड और अप्रूव्ड बाय द गवर्नमेंट। सो बेसिकली एट अ प्राइस इक्वल टू और लेस देन द प्राइस फिक्स्ड और अप्रूव्ड बाय द गवर्नमेंट, इसका मतलब क्या है कि बेसिकली कोई कोऑपरेटिव सोसाइटी है वो बेसिकली शुगर को मैन्युफैक्चर करती है, तो फार्मर्स की प्रोटेक्शन के लिए फार्मर्स ने क्या रखा है, सॉरी फार्मर्स की प्रोटेक्शन के लिए गवर्नमेंट ने क्या रखा है कि जो शुगर केन है उसको आपको एक एटलीस्ट इस प्राइस पे खरीदना पड़ेगा, ठीक है। तो अगर कोऑपरेटिव सोसाइटी ने इस कंडीशन को फुलफिल करते हुए फार्मर की शुगर केन को एटलीस्ट जो प्राइस सरकार ने फिक्स कर रखी थी उस पे खरीदा है तो उसका उसको डिडक्शन दे दिया जाएगा। एक्सपेंडिचर इनकर्ड बाय द कोऑपरेटिव सोसाइटी एंगेज इन द मैन्युफैक्चर ऑफ शुगर, एंगेज इन द बिजनेस ऑफ मैन्युफैक्चर ऑफ शुगर फॉर द परचेज ऑफ शुगर केन एट अ प्राइस इक्वल टू और लेस देन द प्राइस फिक्स्ड और अप्रूव्ड बाय द गवर्नमेंट। सरकार ने कह दिया कि भाई एटलीस्ट ये प्राइस आपको पे करना पड़ेगा शुगर केन के लिए, अगर आपने वो पे कर दिया है तो आपको जो है डिडक्शन दे दिया जाएगा। अच्छा नेक्स्ट पॉइंट देखना क्या दे रखा है, मार्क टू मार्केट लॉसेज। अपन एफआर में आप पढ़ते हो बहुत सारे, आप क्या करते हो गेन या लॉसेज को रिकॉग्नाइज करते हो उसके ही के अंदर, तो उसको अपन क्या कहते हैं मार्क टू मार्केट लॉसेज, ठीक है। तो सरकार कहती है कि इनकम टैक्स में आपको मार्क टू मार्केट लॉसेज का डिडक्शन तभी मिलेगा जब एज पर ICDS बोले तो इनकम कंप्यूटेशन डिस्क्लोजर स्टैंडर्ड्स, जैसे अपने अकाउंट्स में AS होते हैं NDS होते हैं वैसे इनकम टैक्स में ICDS होता है। ICDS मुझे ये बताता है कि भाई आपको इनकम टैक्स इस तरह से निकालना है। तो अपन आगे पढ़ेंगे कि भाई कौन कौन से M2M लॉसेज मार्क टू मार्केट लॉसेज ICDS अपने को अलाउ करता है, राइट। अच्छा अपने एक टॉपिक बच रहा था बैड डेट देख लेते हैं। देखो बैड डेट का कॉन्सेप्ट आई थिंक आपको समझता होगा, बैड डेट का मतलब सिंपल सा ये है कि आपने क्या करा, एक तो आपने फॉर एग्जांपल कोई सेल करी, अगर आरजी को सेल करी तो आप एंट्री क्या पास करोगे, आरजी अकाउंट डेबिट टू सेल्स, ठीक है। आपने एंट्री पास करी बुक्स में आरजी अकाउंट डेबिट टू सेल्स। अच्छा मुझे एक चीज बताओ, आपने जो ये क्या करा सेल बुक करी 100 रुपए की, इसका मतलब ये है ना आपने अपना प्रॉफिट दिखाया, इसका मतलब ये है कि आपने इस पर टैक्स भी पे करा होगा। इतनी कहानी समझ में आ गई। अच्छा आप देखना 2 साल बाद क्या होता है कि आरजी लिमिटेड बैंकक्रप्ट हो जाता है, मतलब मैं बैंकक्रप्ट हो जाता हूं और मैं क्या करता हूं कंपनी को पे नहीं कर पाता, तो कंपनी का क्या हो गया ये बैड डेट हो गया, मतलब उसको पैसा रिकवर नहीं हुआ, राइट। उसको पैसा रिकवर नहीं हुआ तो उसके लिए क्या हो गया बैड डेट हो गया। तो अपनी बुक्स में क्या एंट्री पास करेगा, वो अपनी बुक्स में एंट्री पास करेगा क्या पीएनएल अकाउंट डेबिट टू आरजी लिमिटेड, मतलब पीएनएल में उसने क्या कर दिया पीएनएल को डेबिट करा और आरजी लिमिटेड को क्रेडिट कर दिया कि भाई 100 रुपए मुझसे 100 रुपए जो है आरजी से नहीं मिलने वाले। तो ये तो हो गया एंट्री फॉर सेल, ये तो हो गया एंट्री फॉर सेल और ये हो गया एंट्री फॉर बैड डेट। तो सरकार कहती है कि जब आप क्या करते हो बैड डेट बुक करते हो, सरकार कहती है कि जब बेसिकली आपने क्या करा बैड डेट बुक करा हम आपको बैड डेट अलाउ कर देंगे, बट दो कंडीशन है। पहली कंडीशन ये है कि आप जो बैड डेट को राइट ऑफ करोगे बाय नेम राइट ऑफ करोगे, ठीक है, मतलब आप प्रोविजन नहीं बना सकते, आपको जो है स्पेसिफिकली बताना पड़ेगा कि कौन से डेटर को आप राइट ऑफ कर रहे हो, ठीक है। हेलो ठीक है, सो आपको जो है स्पेसिफिकली बताना पड़ेगा कि भाई कौन से डेटा को राइट ऑफ कर रहे हो। एंड नंबर टू कंडीशन ये है कि जब आप बैड डेट को राइट ऑफ कर रहे हो तो सरकार ये कहती है कि पिछले सालों में या करंट ईयर में आपने क्या कर रखा है उस इनकम को पीएल में क्रेडिट कर रखा है। तो समझ में आ रही है बात, आपने पीएल को क्रेडिट कर दिया, आपने पीएल को 100 रुपए से बढ़ा दिया, आप क्या कह रहे हो कि आपने पीएल को 100 रुपए से बढ़ा दिया, आपने पीएल को 100 रुपए से बढ़ा दिया, इसका मतलब ये है कि सरकार को उस पर टैक्स गया होगा। अच्छा बैड डेट हो जाता है तो सरकार कहती है उस एंट्री को रिवर्स कर दो। अच्छा बैड डेट कब कर सकते हो आप, जब आपने उस इनकम को, जब आपने उस डेटर को पीएल में क्रेडिट करा था, तभी तो सरकार आपको जो है डिडक्शन अलाउ करेगी।
तो दो कंडीशन आपको समझता है, दो कंडीशन सिंपल सी है कि भाई सबसे पहला तो क्या है कि आपका जो है बैड डेट आपको बाय नेम राइट ऑफ करना पड़ेगा कि किस डेटर को आप राइट ऑफ कर रहे हो, आपने किस डेटर को राइट ऑफ करा है उसका आपको जो है नेम बताना पड़ेगा, मतलब पीएनएल अकाउंट डेबिट टू स्पेसिफिकली डेटर का नाम करना पड़ेगा। एंड नंबर टू कंडीशन ये है कि जिस भी डेटर को आप राइट ऑफ करने वाले हो उस डेटर को आपने क्या कर रखा है, इनकम ऑफर करी थी पिछले सालों में या करंट ईयर में आपने जो है उसको पीएनएल में क्रेडिट करा था। तो एक बार आपने पीएनएल में क्रेडिट कर दिया सील मानते हुए, जब बेडेट हो गया तो सरकार कहती है आप रिवर्स कर सकते हो, बट कंडीशन क्या है कि भाई अपन ने उसको इनकम बनाई थी। तो दो कंडीशन आपको समझता है। तो देखो अपन बात कर रहे थे बेडेट की, राइट। बेडेट अगर किसका होता है, सेल का होता है, जो मैंने आपको बताया कि भाई अगर आपने क्या करा डेटर को सेल करी, आपने पीएनएल में क्रेडिट कर दिया, बाद में जाके वो क्या होता है बैडेट हो जाता है, बैंकरप्ट हो जाता है, तो आप क्या कर सकते हो एज अ बैडेट खर्चा क्लेम कर सकते हो। प्रोविजन आप नहीं बना सकते, प्रोविजन किसको अलाउड है, सिर्फ और सिर्फ बैंक को अलाउड है, ठीक है, आप प्रोविजन नहीं बना सकते। मैंने आपको कंडीशन बताई थी कि भाई आपको नाम से राइट ऑफ करना पड़ेगा, आप ऐसी एंट्री पास नहीं कर सकते पीएनएल अकाउंट डेबिट टू, पीएनएल अकाउंट डेबिट टू डेटर की आप एंट्री पास नहीं कर सकते, पीएनएल अकाउंट डेबिट टू प्रोविजन की एंट्री पास नहीं कर सकते, पीएनएल अकाउंट डेबिट टू डेटर पास करना पड़ेगा आपको, एम आई राइट। अच्छा देखो आपने जो है लोन दिया, आपने जो है लोन दिया तो लोन की क्या एंट्री पास करोगे मुझे बताओ, कि अगर आप लोन देते हो तो लोन की एंट्री क्या पास करते हो, आरजी अकाउंट डेबिट टू बैंक, ठीक है। तो क्या आपने पीएनएल को क्रेडिट करा, क्या पीएनएल को क्रेडिट नहीं कराना, आपने इनकम नहीं बनाई, तो जब वो बैड डेट हो जाता है तो क्या मैं उसको ऐसा खर्चा क्लेम कर सकता हूँ, सरकार कहती नहीं, क्यों नहीं, क्योंकि मैंने उसको इनिशियली अपनी इनकम ही नहीं बनाया। अच्छा इनकम ही नहीं बनाया तो मैं खर्चा कैसे क्लेम करूंगा, ऑलराइट। अब देखो मैंने आपको दो कंडीशन बताई थी, सबसे पहला आपको जो है नेम से राइट ऑफ करना पड़ेगा, नंबर टू आपको जो है उसको इनकम बनाना पड़ेगा, जब भी आप क्या कर सकते हो बैड डेट क्लेम कर सकते हो। फिर मैंने आपको एक चीज बताई थी कि आपको डेटर को बाय नेम से राइट ऑफ करना है, आप प्रोविजन ही बना सकते। अच्छा आपके दिमाग में एक सवाल आ रहा होगा कि भाई अगर मैं ऐसे बैड डेट को राइट ऑफ कर सकता हूं, ठीक है, तो मैं ऐसा क्यों नहीं करूं कि अपने टैक्स को बचाने के लिए मैं सारे डेटर्स को बैड डेट दिखा दूं ताकि मेरा टैक्स कम हो जाए। और एक और चीज देखो सरकार ने कह रखी है क्या कि आपको बिल्कुल ये प्रूफ करने की जरूरत नहीं कि सामने वाला बंदा एक्चुअल में बैंकक्रप्ट हुआ है कि नहीं हुआ है, ठीक है, तो आपको प्रूफ बिल्कुल करने की जरूरत नहीं कि सामने वाला बंदा बैंकक्रप्ट हुआ है कि नहीं हुआ है। तो अब सवाल आता है कि भाई मैं एसएससी हूं, मैं ऐसा करता हूं ना कि मैं सारे डेटर्स को राइट ऑफ कर देता हूं और अपना इनकम कम करके टैक्स कम पे करता हूं। तो देखो इसमें होता यह है कि अगर आपके सामने वाले डेटर को पता चल गया, सामने वाला जो डेटर है उसको पता चल गया कि भाई इस कंपनी ने तो मुझे राइट ऑफ कर दिया अपनी किताबों में, तो सामने वाला बंदा आपको कभी पैसा ही देगा ही नहीं, कभी पैसा देगा नहीं। तो इसलिए कंपनी चला के किसी को नेम से राइट ऑफ करती नहीं है। एंड नंबर टू प्रोविजन बना नहीं सकती, तो मैं प्रोविजन बना नहीं सकता और नेम से राइट ऑफ कर नहीं सकता। क्यों नहीं कर सकता, क्योंकि अगर सामने वाले बंदे को पता चल गया कि भाई मैंने अपनी बुक्स में उसको राइट ऑफ कर दिया तो मुझे कभी पैसा देगा नहीं, तो एसएससी का नुकसान हो जाएगा, राइट। अब अपन बात करते हैं रिकवरी ऑफ बैड डेट की, ठीक है, रिकवरी ऑफ बैड डेट की। तो देखो बैड डेट हुआ था तो अपन ने क्या करा था, इनकम एक्सपेंस क्लेम कर लिया था। अब जब बैड डेट की रिकवरी हो रही तो मैं क्या करूंगा, उसको टैक्सेबल करूंगा। इसके लिए आपको एक एग्जांपल समझना पड़ेगा। देखो एग्जांपल देखते हैं अपन, मेरा बैड डेट है 100 रुपए का, मेरा बैड डेट कितने का है, 100 रुपए का बैड डेट है, 100 रुपए का मेरा बैड डेट नहीं, 100 रुपए का मेरा डेटर है। अच्छा उसमें से 30 का बैड डेट हो गया, तो इसका मतलब ये है ना कि भाई 70 रुपए मुझे अभी भी उससे मिलने वाले हैं। तो 100 रुपए का डेटर था, मैंने 30 रुपए क्या कर लिया, बैड डेट बुक कर लिया और 70 रुपए मुझे उससे अभी मिलने वाले हैं। अच्छा मुझे एक्चुअली मिल गया 80 रुपए, तो आप एसएससी हो, आप सरकार को क्या बोलोगे, देखो जो मुझे 80 रुपीज मिले हैं ना उसमें से 70 मिले हैं ये वाले जो मुझे एक्चुअल में रिसीव करने थे, एंड बाकी जो 10 मिले हैं वो बैड डेट वाले से मिले हैं। तो सरकार क्या बोलेगी कि इस 10 रुपए को आप क्या करो, 10 रुपए को टैक्सेबल करके इस पे टैक्स पे करो, ठीक है। तो आपको लॉजिकली समझ में आया, देखो 100 रुपए का डेटर था तो मतलब मैंने इनिशियली एंट्री क्या पास करी होगी, इनिशियली मैंने एंट्री पास करी होगी आरजी अकाउंट डेबिट टू सेल्स, मतलब मैंने 100 के 100 इनकम ऑफर कर दी। उसके बाद क्या हुआ, आप सरकार को बोलते हो कि देखो 30 रुपए तो मुझे मिलने ही नहीं है, तो आपने क्या करा 30 रुपए का खर्चा बुक कर लिया, इसका मतलब 70 रुपए भी आपने इनकम दिखा रखी है, बाद में जाके आपको एक्चुअल में 80 रुपए मिल जाते हैं। तो आप सरकार को क्या कहोगे, देखो 70 रुपए तो मैंने पहले पहले टैक्स पे कर दिया था, अच्छा बाकी जो 10 रुपए एक्स्ट्रा मिला है, बाकी जो मुझे 10 रुपए एक्स्ट्रा मिला है मैं उस पर टैक्स पे कर देता हूं। आपको कहानी समझना, लॉजिकली मैंने आपको समझाया। तो देखो अगर बैड डेट रिकवर होते हैं, रिकवरी ऑफ बैड डेट, तो क्या करेंगे, टैक्सेबल अंडर पीजीपी इन द ईयर ऑफ रिकवरी, जिस साल आपको पैसा मिला है उससे उस साल अपन क्या करेंगे उसको टैक्सेबल कर देंगे। और टैक्सेबल अमाउंट क्या होगा, बैड डेट रिकवर्ड इन एक्सेस ऑफ नॉट रिटर्न ऑफ। तो मुझे एक चीज बताओ, बैड डेट कितना रिकवर हुआ था, बैड डेट रिकवर हुआ था 80 और नॉट रिटर्न ऑफ अमाउंट कितना था 70, तो 80 - 70 कितना हो जाएगा 10, तो 10 रुपए मेरा टैक्सेबल हो जाएगा। तो इसको रटने की जरूरत नहीं है, इसको आपको रटने की जरूरत नहीं है, मैंने आपको लॉजिकली बता दिया कि भाई कितना अमाउंट आपको टैक्सेबल करना है, ऑलराइट। अच्छा एक और चीज समझना, क्या दे रखा है टैक्सेबल, कब टैक्सेबल होगा, टैक्सेबल ओनली इफ द एसएससी हु क्लेम्स बैड डेट एंड एसएससी हु रिकवर्स इज सेम इवन इफ द बिजनेस इज नॉट इन एग्जिस्टेंस। मतलब सरकार बेसिकली एसएससी को ये कह रही है कि भाई देखो जिसने बैड डेट क्लेम करा था, मतलब फॉर एग्जांपल आरजी लिमिटेड है, अब आरजी लिमिटेड ने क्या करा 3 महीने बाद अपना बिजनेस किसको संभालने को दे दिया, अपने बेटे को संभालने को दे दिया, तो अब बिजनेस कौन चला रहा है, उसका बेटा चला रहा है, आरजी लिमिटेड का बेटा चला रहा है। बैड डेट आरजी लिमिटेड ने क्या करा था, बैड डेट आरजी ने अपनी बुक्स में राइट ऑफ करा था, रिकवर किसने करा, रिकवर करा किसने, उसके बेटे ने रिकवर करा, उसके बेटे ने। तो सरकार कहती है इस समय हम टैक्सेबल नहीं करेंगे, टैक्सेबल कब होगा जब एसएससी जिसने बैड डेट क्लेम करा था एंड जो रिकवर कर रहा है वो क्या है, सेम है। तो जिसने बैड डेट क्लेम करा था और जो रिकवर कर रहा है वो सेम है। तो सरकार बहुत कम जगहों पे आपको जो है बेनिफिट देती है और ये उनमें से एक है कि भाई जब पैसा आपको मिल रहा है फिर भी टैक्सेबल नहीं हो रहा,
क्यों टैक्सेबल नहीं हो रहा, क्योंकि एसईसी जिसने बेटर क्लेम करा था एंड जो रिकवर कर रहा है वो सेम नहीं है, इजी है। अच्छा ये वाला पॉइंट अभी आपको थोड़ी देर में समझाता हूँ, उससे पहले अपन आ जाते हैं। मैंने आपको एक चीज बताई थी कि भैया आप प्रोविजन बेटेड का प्रोविजन ही बना सकते हैं, प्रोविजन अलाउड नहीं है। आप नाम से राइट ऑफ कर सकते हो लेकिन प्रोविजन किसको अलाउड है, बैंक जो है प्रोविजन बना सकती है, बैंक जो है क्या कर सकती है, आपका प्रोविजन बना सकती है। अच्छा अपन सबसे पहले देखते हैं कि भाई कितना प्रोविजन बना सकती है। तो देखो एक इंडियन बैंक है और एक फॉरेन बैंक है, तो सरकार ने कहा इंडियन बैंक, इंडियन बैंक में क्या आ गया, शेड्यूल नॉन शेड्यूल कोऑपरेटिव अदर देन प्राइमरी एग्रीकल्चर क्रेडिट सोसाइटी और प्राइमरी कोऑपरेटिव एग्रीकल्चर रूरल डेवलपमेंट बैंक। तो अगर आपकी कोई इंडियन बैंक है अदर देन दिस दिस अदर देन दिस एंड दिस, अगर आपकी इंडियन बैंक है तो आपको प्रोविजन कितना अलाउड है, तो प्रोविजन कितना अलाउड है सरकार ने कहा 8.5% ऑफ टोटल इनकम, मतलब टोटल इनकम मतलब आपका प्रॉफिट, तो टोटल इनकम मतलब टोटल प्रॉफिट का 8.5%। सो 8.5% ऑफ टोटल इनकम कंप्यूटेड बिफोर डिडक्शन अंडर दिस सेक्शन एंड बिफोर डिडक्शन अंडर चैप्टर 6A। चैप्टर 6A के डिडक्शंस क्या होते हैं अपन बाद में देखेंगे। तो चैप्टर 6A के डिडक्शंस आपको किसमें से मिलते हैं, जीटीआई निकलती है ग्रॉस टोटल इनकम, उसमें से चैप्टर 6A के डिडक्शंस मिलते हैं, फिर टोटल इनकम आती है। ये कॉन्सेप्ट नहीं पता अपन बाद में रिवाइज कर लेंगे। तो बेसिकली प्रोविजन कितना अलाउड है, बेसिकली आपको जो है प्रोविजन अलाउड है 8.5% का। सो 8.5% ऑफ द टोटल इनकम आपको जो है प्रोविजन बना सकती है कौन, इंडियन बैंक। इसके अलावा प्लस 10% ऑफ एग्रीगेट एवरेज एडवांसेस मेड बाय द रूरल ब्रांचेस। तो बेसिकली इंडियन बैंक को कितना प्रोविजन बना सकती है, 8.5% ऑफ टोटल इनकम एंड नंबर टू 10% ऑफ एग्रीगेट एवरेज एडवांसेस मेड बाय द रूरल ब्रांचेस। तो जो भी उसकी बैंक की रूरल ब्रांचेस है उसने जितने भी एडवांसेस दे रखे हैं उसका अपन क्या कर सकते हैं 10% कर सकते हैं। तो 10% ऑफ एग्रीगेट, एग्रीगेट उनका एवरेज लेना, सो एग्रीगेट एवरेज एडवांसेस मेड बाय द रूरल ब्रांचेस, इतना अपन प्रोविजन बना सकते हैं। अब बात करते हैं अपन फॉरेन बैंक की। देखो फॉरेन बैंक हो गया, स्टेट फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन हो गया, स्टेट इंडस्ट्रियल इन्वेस्टमेंट कॉर्पोरेशन हो गया, पीएफआई हो गया, एनबीएफसी हो गया, ये कितना प्रोविजन बना सकती है, तो सरकार ने कहा 5%। अपन जो पर 8.5 पड़ा था इसकी जगह क्या हो जाएगा 5% हो जाएगा। तो 8.5 की जगह कितना हो जाएगा, बेसिकली 8.5 की जगह बेसिकली अपना हो जाएगा कितना 5%। तो ये हो गया 8.5 और ये हो गया 5। अच्छा ऊपर अपने इंडियन बैंक को एक एडिशन दे दिया क्या, कि भाई आप क्या कर सकते हो 10% ऑफ एग्रीगेट एवरेज एडवांसेस मेड बाय द रूरल ब्रांचेस का और प्रोविजन बना सकते हो। इधर तक कहानी समझ में आपको। अच्छा एक चीज समझना, रूरल ब्रांच का मतलब क्या होता है, रूरल ब्रांच का मतलब है ब्रांच सिचुएटेड इन अ प्लेस जिसकी पॉपुलेशन अप टू कितनी है 10,000 है। तो ब्रांच एक ऐसी जगह पर सिचुएटेड है जहां की पॉपुलेशन अप टू 10,000 है, जहां की पॉपुलेशन क्या है अप टू 10,000 तक है। अब आपको एक चीज समझाता हूं मैं, ये तो आपको समझ में आ गया ना कि भाई कितना प्रोविजन आपको बनाना है। अच्छा अब अपन ये वाला पॉइंट देखते हैं, प्रोविजन फॉर बैड डेट ऑफ बैंक्स, ओनली वन अकाउंट इन रिस्पेक्ट ऑफ प्रोविजन फॉर बैड एंड डाउटफुल डेट शैल बी मेड एंड सच अकाउंट शैल रेट टू ऑल टाइप ऑफ एडवांसेस इंक्लूडिंग एडवांसेस मेड बाय द रूरल ब्रांचेस। आपको समझ नहीं आया होगा, मैंने इसके लिए आपको लिए एक एग्जांपल क्रिएट करा है। देखो एक बैंक है, ठीक है, ये बैंक है, बैंक ने दो तरह के एडवांसेस दे रखे हैं, एक तो है रूरल एडवांसेस और एक दे रखा है अर्बन एडवांसेस, ठीक है। इतनी कहानी समझ में आई, कितने एडवांसेस है 50-60 के ही हैं, तो टोटल कितना हो गया 110 हो गया। इधर तक कहानी समझ में आई। अच्छा एडवांसेस दे रखे 50, 60 और 110 के। अच्छा अज्यूम करो कि भाई इसने क्या कर रखा है, 110 का प्रोविजन बना दिया, 50 और 60 110 का प्रोविजन बना दिया। आपने को पता है कि भाई प्रोविजन कितना बनता है, 8.5% 10% और 5%, राइट, 8.5% 10% और 5%। लेकिन एक बार को अपन अज्यूम करते हैं कि भाई बैंक ने क्या करा, 50-60 एडवांसेस दिए और 110 का पूरा प्रोविजन बना दिया। इतनी कहानी समझाई। अच्छा प्रोविजन बनाया होगा तो बैंक को कितना डिडक्शन मिला होगा, पूरा 110 का डिडक्शन मिला होगा, क्योंकि बैंक को ही प्रोविजन का डिडक्शन मिलता है। अब अपन अज्यूम करते हैं कि भाई एक्चुअल बैड डेट की बात करते हैं, अपन बात करते हैं एक्चुअल बैड डेट। 50 का मेरा क्या था एडवांस था, एक्चुअल बैड डेट कितना हो गया 40 का हो गया। 50 का मेरा क्या था, मैंने प्रोविजन बनाया था, ऐसा अज्यूम करो 50 का प्रोविजन बनाया था, एक्चुअल बैड डेट कितना हुआ 40 का हुआ। 60 का प्रोविजन बनाया था मैंने, 80 का मेरा क्या हो गया, 60 का प्रोविजन बनाया था, 80 का मेरा बेसिकली क्या हो गया बैड डेट हो गया। तो मेरा टोटल बैड डेट कितना हो गया 120 हो गया। तो अगर आप देखोगे आपने प्रोविजन बनाया था 110 का, बैड डेट हो गया 120 का, तो आपको 10 रुपए का ज्यादा नुकसान हुआ ना। तो सरकार कहती है कि 10 रुपए आपको जो है एडिशनल बैड डेट मिल जाना चाहिए, ठीक है। तो देखो टोटल एक्चुअल बैड डेट रिटर्न ऑफ कितने हैं मेरे, टोटल एक्चुअल बैड डेट रिटर्न ऑफ अभी अपने देखे कितने थे 120 थे, प्रोविजन कितने का बनाया था मैंने 110 का बनाया था, 10 रुपए मेरा क्या हो जाएगा एक्चुअल बैड डेट का डिडक्शन अलाउड इन केस ऑफ बैंक्स, ठीक है। तो आपने जो प्रोविजन बनाया था 110 का बनाया था, बैड डेट एक्चुअल में कितने हुए 120 हुए, तो बैड डेट एक्चुअल में कितने हुए 120 हुए, 10 रुपए का आपको जो है एक्स्ट्रा डिडक्शन मिल जाना चाहिए था। तो मैं आपको लिख देता हूँ कि भाई लॉजिकली कितना आपको जो है 10 रुपए का एडिशनल डिडक्शन मिल जाना चाहिए था, ठीक है। इतनी कहानी समझ में आई। तो अपन ने क्या करा था, 50 और 60 का प्रोविजन बनाया था, 110 का टोटल प्रोविजन हो गया, एक्चुअल बैड डेट कितने हुए 40 और 80 120 का आपका टोटल बैड डेट हो गया, टोटल बैड डेट हो गया, ठीक है। तो लॉजिकली आपको जो है 10 रुपए का और डिडक्शन मिलना चाहिए था। अब देखना बैंक क्या शांतपत्ति कर रहा है, बैंक बोलता है देखो मैंने दो तरह के प्रोविजन अकाउंट बनाए थे, वन टू, बैंक क्या बोलता है कि मैंने दो तरह के प्रोविजन के अकाउंट बनाए थे, एक रूरल एडवांसेस और एक अर्बन एडवांसेस, ठीक है। अब बैंक बोलता है देखो 50 का मैंने प्रोविजन बनाया था, 40 का क्या हुआ बैड डेट हुआ, तो इधर तो मुझे 50 का पूरा डिडक्शन मिलेगा, सीधी सी बात है ना। बैंक ने 50 का क्या बनाया था, प्रोविजन बनाया था, 40 का क्या हुआ बैड डेट हुआ, तो बैंक को कितना डिडक्शन मिलना चाहिए 50 का मिलना चाहिए, क्योंकि प्रोविजन उसने पूरा बनाया था। अच्छा इधर देखो प्रोविजन बनाया था 60 का, प्रोविजन बनाया था कितने का 60 का, एक्चुअल बैड डेट कितने हुए 80 हो गए, तो बेसिकली इधर कितने का डिडक्शन मिलेगा 60+20 कितना 80, तो देखो 50+60+20 करोगे तो 130, तो बैंक बोलता है मुझे तो चाहिए 130, बैंक बोलता है मुझे चाहिए 130 का टोटल डिडक्शन
और बैंक ने लिख कितने का रखा है 110 का, पहले से 110 का ले रखा ना, तो बैंक बोलता है मुझे एडिशनल चाहिए कितना 20 रुपए का डिडक्शन, बैंक बोलता है मुझे 20 रुपए का डिडक्शन चाहिए। जब सरकार ने एक चीज कह दी, सरकार ने एक चीज क्लेरिफाई करी कि भाई देखो बैंक, बैंक को एक चीज बोली कि भाई आप जो प्रोविजन अकाउंट बना रहे हो ना वो हम वन ही अकाउंट देखेंगे, सबका टोटल देखेंगे, वन अकाउंट मतलब आप ये दो अलग अलग तरीके के प्रोविजन नहीं बना सकते, आपको क्या करना पड़ेगा एक ही प्रोविजन अकाउंट बनाना पड़ेगा। इतनी कहानी समझ में आई आपको? तो अगर मैं टोटल बेसिकली सरकार कहना चाहती है कि भाई आपने जो भी प्रोविजन के अकाउंट बना रखे हैं सबको टोटल करो, इंडिविजुअली हम असेस नहीं करेंगे। तो इधर देखो टोटल के बेसिस पे 110 का मैंने प्रोविजन बनाया था, बेटे टू 120 के, तो आपको एडिशनल 10 रुपए का डिडक्शन मिलना चाहिए, सरकार कहती है कि भाई 10 रुपए का डिडक्शन ले लो, लेकिन बैंक बोलता है कि भाई 110 का प्रोविजन बनाया, 110 का प्रोविजन बनाया और मुझे डिडक्शन मिलना चाहिए 130 का डिडक्शन मिलना चाहिए, तो बैंक बोलता है मुझे 20 रुपए का डिडक्शन चाहिए, 10 रुपए की जगह 20 रुपए का डिडक्शन चाहिए। तो सरकार ने क्लेरिफाई कर दिया एक चीज कि भाई आपको क्या करना पड़ेगा, सिर्फ और सिर्फ वन अकाउंट मानेंगे हम, अलग अलग तरीके के प्रोविजन अकाउंट आप नहीं बना सकते। आपको लॉजिकली मैंने समझा दिया, ठीक है, वापस अगर आपको ये समझ नहीं आया तो एक बार वापस देख लो मैंने इधर क्या बोला आपको। तो पहली वाली कहानी तो समझ में आ गई होगी, दूसरी कहानी देख लो, 50 रुपए के मैंने प्रोविजन बनाया था, बेटर कितना हुआ 40 का, तो आपको प्रोविजन का पूरा डिडक्शन मिला ही होगा क्योंकि बैंक को पूरे प्रोविजन का डिडक्शन मिलता है। इधर प्रोविजन बनाया था 60 का, बेटर हुआ कितने का 80 का, तो बेसिकली 60 का तो मुझे डिडक्शन मिलेगा क्योंकि मैंने प्रोविजन बनाया, प्लस बैंक बोला मुझे 20 रुपए का और डिडक्शन चाहिए क्योंकि वो तो मेरा एक्चुअल बैड डेट है, 80 हुआ ना बैड डेट, 80 माइनस 60 कितना होगा 20, तो टोटल कितना बोलता है ये 130, और 130 बोलता है मेरे को डिडक्शन 130 का चाहिए, इसने ले रखा है 110 का, तो एडिशनल 20 का डिडक्शन मांग रहा है जब सरकार ने मना कर दिया। तो आपको मैंने कंसेप्चुअली लॉजिकली पूरा समझाया, बिल्कुल आपसे टेस्ट कर सकता है ये एग्जाम में, इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ऑलराइट, अच्छा एक और चीज समझना, एक और चीज समझते हैं अपन, बैड डेट का लास्ट पॉइंट क्या दे रखा है, when income has been recognized as per ICDS while it has not been recorded in the books of account as per the relevant AS, then if the debtor has not been written off in the books of account, deduction for bad debt can be claimed. क्या मतलब है आपको एग्जाम्पल समझाता हूँ, एग्जाम्पल से आपको अच्छी तरह समझ में आएगा। देखो आपने AS 7 पढ़ रखा होगा, कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है, आपने क्या पढ़ रखा होगा, एक AS 7 करके टॉपिक आता है, AS 7 करके टॉपिक आता है कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट का, ठीक है, AS 7 अगर आपने पढ़ रखा होगा तो उसमें बेसिकली सरकार ये कहती है कि भाई आपको जो है इनकम रिकॉग्नाइज करनी है किसमें, परसेंटेज ऑफ कंप्लीशन मेथड के बेसिस पे आपको जो है इनकम रिकॉग्नाइज करनी है। AS 7 आपका जो है कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट की बात करता है और वो मुझे कहता है कि भाई आपको क्या करना है, परसेंटेज ऑफ कंप्लीशन मेथड फॉलो करना है। अच्छा ICDS जो है, ICDS भी सेम बात कहता है, ICDS भी क्या कहता है कि भाई आपको क्या करना पड़ेगा, परसेंटेज ऑफ कंप्लीशन मेथड फॉलो करना पड़ेगा। अब मेरी बात बड़े ध्यान से समझना, एक ही बार समझाऊंगा, एक SSC है, ये एक SSC है, ये एक SSC है, ठीक है, इसने क्या करा, ये इसके बुक्स ऑफ अकाउंट्स है, ठीक है, इसने बुक्स ऑफ अकाउंट्स में नॉर्मल तरीके से क्या कर दिया, सेल्स को बुक कर लिया। परसेंटेज ऑफ कंप्लीशन मेथड क्या होता है, आई होप आपको समझ में आता होगा, आपने जितना जितना खर्चा कर दिया उसका परसेंटेज निकालेंगे, उसके बेसिस पे अपन रेवेन्यू रिकॉग्नाइज करेंगे। आपने बुक्स ऑफ अकाउंट में नॉर्मल सेल बुक करी, जैसे अपन नॉर्मली सेल बुक करते हैं वैसे बुक करी, इनकम नॉर्मली दिखा दी, ठीक है, इनकम आपने नॉर्मली दिखा दी। अब ICDS और AS 7 अपने को बोलता है कि आपको क्या फॉलो करना है, परसेंटेज ऑफ कंप्लीशन मेथड, ठीक है, इनकम टैक्स भी सेम बात करता है। तो इनकम टैक्स में हुआ ये कि आपने क्या करा, 100 रुपए की सेल दिखाई, किस बेसिस पे दिखाई, परसेंटेज ऑफ कंप्लीशन मेथड के बेसिस पे दिखाई, और उस पर क्या करा, टैक्स पे कर दिया, 100 रुपए की सेल दिखाई और उस पर टैक्स पे कर दिया। इधर तक कहानी समझ में आई, इनकम टैक्स में आपने क्या करा, परसेंटेज ऑफ कंप्लीशन मेथड फॉलो करा, परसेंटेज ऑफ कंप्लीशन मेथड फॉलो करा, उसके बेसिस पे 100 रुपए की इनकम दिखाई और उस पर टैक्स पे कर दिया, ठीक है। बुक्स ऑफ अकाउंट में जो आप नॉर्मल तरीका फॉलो करते हो उसके अकॉर्डिंग इनकम होती है आपकी 0, डन, इतनी कहानी समझ में आ गई। अच्छा ये तो था मेरा ईयर 1, अब बात करते हैं अपन ईयर 2 की, ईयर 2 में क्या हुआ, बैड डेट हो गया, तो 100 रुपए की आपने जो टैक्स पे करा था ना, सरकार को बोलोगे भाई देखो मैंने 100 रुपए पे टैक्स पे कर दिया, मुझे तो इनकम रिसीव ही नहीं हुई, तो सरकार कहती है ईयर 2 के अंदर कि भाई आप इसको क्या करो, बैड डेट क्लेम कर लो, ठीक है, बैड डेट क्लेम कर लो। बैड डेट क्लेम करने की दो कंडीशन क्या होती है, पहली कंडीशन ये है कि आपको क्या करना पड़ेगा, नाम से राइट ऑफ करना पड़ेगा, नाम से राइट ऑफ करना पड़ेगा, और दूसरी कंडीशन क्या होती है कि भाई आपने उसको इनकम बनाया है और बुक्स में राइट ऑफ करा है, इनकम बनाया है एंड बुक्स में राइट ऑफ करा है। कंडीशन अगर आपको याद नहीं आ रही दिखा देते हैं आपको, देखो ये रही, देखो बैड डेट शुड बी रिटर्न ऑफ इन द बुक्स विद द नेम ऑफ द डेटर, आपको किताब में उसको राइट ऑफ करना पड़ेगा। नंबर 2 कंडीशन क्या है कि आपने उसको इनकम बनाई है, दो कंडीशन समझ में आई कि भाई आपको नाम से राइट ऑफ करना पड़ेगा और आपने उसको इनकम बनाया है, इनकम टैक्स पे कराया है उस पर। देखो दूसरी कंडीशन तो सेटिस्फाई हो रही है, कैसे हो रही है, क्योंकि आपने इनकम बना के उस पर टैक्स पे करा था, लेकिन पहली कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हो रही, क्यों सेटिस्फाई नहीं हो रही, क्योंकि बुक्स ऑफ अकाउंट में आपने उसको रिकॉर्ड करा ही नहीं था, AS के बुक्स ऑफ अकाउंट जो आप फॉलो कर रहे थे उसमें तो आपने रिकॉर्ड कराया नहीं था। अच्छा रिकॉर्ड कराया नहीं था तो मैं राइट ऑफ कैसे करूं, रिकॉर्ड कराया नहीं था तो मैं राइट ऑफ कैसे करूं। अब ऐसे से बोलता है कि भाई इसमें मेरी क्या गलती है, ICDS जो है इनकम टैक्स अगर परसेंट जो कंप्लीशन मेथड फॉलो कर रहा है और मैं अगर नॉर्मल अकाउंटिंग फॉलो कर रहा हूं तो हम दोनों ही गलत नहीं है। तो सरकार ने क्लेरिफिकेशन दे दिया कि अगर कोई SSC क्या कर रहा है, ICDS को फॉलो करते हुए परसेंटेज कंप्लीशन मेथड पे टैक्स पे कर देता है और बाद में जाके बैड डेट क्लेम करना चाहता है तो कर सकता है, इरिस्पेक्टिव ऑफ द फैक्ट कि उसने बुक्स में रिकॉर्ड नहीं कर रखा। तो आपको लॉजिकली मैंने पूरा समझा दिया,
नहीं समझ आया वापस रिवाइंड करके देख लेना। तो देखो यही बात बोली है मैंने कि जहां पर इनकम हैज बीन रिकॉग्नाइज एज पर आईसीडीएस परसेंटेज ऑफ कंप्लीशन के मेथड के बेसिस पे मैंने इनकम रिकॉग्नाइज कर ली, टैक्स पे कर दिया, लेकिन किताबों में रिकॉर्ड नहीं करा क्योंकि जो मैं नॉर्मल अकाउंटिंग फॉलो करता हूं उसके बेसिस पे रिकॉग्नाइज होनी नहीं चाहिए थी इनकम। एंड व्हाइल इट हैज नॉट बीन रिकॉर्डिंग द बुक्स ऑफ अकाउंट एज पर द रिलेवेंट एएस, बुक्स में रिकॉर्ड होनी नहीं चाहिए था, देन इवन इफ द डेट हैज नॉट बीन रिटन ऑफ इन द बुक्स ऑफ अकाउंट, भाई मैंने जब बुक्स ऑफ अकाउंट में रिकॉर्ड कराया नहीं तो अगले साल जब बैटेट हो गया तो मैं राइट ऑफ किस एंट्री को करूं, ठीक है? तो डिडक्शन आप क्लेम कर सकते हो। कहानी समझ में आ गई? आपने कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट को फॉलो करते हुए आईसीडीएस को फॉलो करते हुए टैक्स पे कर दिया सरकार को, बाद में जाके बैडेट हो गया, तो सरकार इधर कहेगी कि भाई आप बैडेट ले सकते हो। अच्छा, कंडीशन मैंने आपको दो बताई थी, आपने इनकम ऑफर करनी थी, कर दी। नंबर टू, आपको किताबों में राइट ऑफ करना है, भाई किताबों में पहले रिकॉर्ड करा नहीं था तो राइट ऑफ कैसे करूंगा? अच्छा, एसएससी की गलती है नहीं क्योंकि आईसीडीएस अगर बोलता है परसेंटेज ऑफ कंप्लीशन मेथड फॉलो करना तो इसमें एसएससी बेचारे की क्या गलती है, एसएससी तो नॉर्मल अकाउंटिंग फॉलो कर रहा था। तो सरकार ने क्लेरिफिकेशन दे दिया, क्या क्लेरिफिकेशन दिया कि भाई अगर भले ही आपने किताब में राइट ऑफ नहीं करा था तो भी हम आपको डिडक्शन अलाउ कर देंगे। और ऐसा क्यों करा? क्योंकि आईसीडीएस की रिक्वायरमेंट थी इनकम ऑफर करने की और आपने इनकम ऑफर करके उस पर टैक्स पे कर दिया। ऑलराइट, तो अपना बैड डेट का पूरा कॉन्सेप्ट इधर हो जाता है। अब आपको एक और कॉन्सेप्ट करा देता हूं मैं, लास्ट टॉपिक इसका, सेक्शन 36 का। देखो ये कोऑपरेटिव सोसाइटी है, ये कोऑपरेटिव सोसाइटी है, ठीक है, इसका एक मेंबर है, तो पढ़ते जाना। इंश्योरेंस प्रीमियम पेड बाय फेडरल मिल्क कोऑपरेटिव सोसाइटी, मतलब क्या करा इस कोऑपरेटिव सोसाइटी ने, इस कोऑपरेटिव सोसाइटी ने इंश्योरेंस प्रीमियम पे करा है किस पे? ऑन द लाइफ ऑफ कैटल, ऑन द लाइफ ऑफ कैटल ओन बाय द मेंबर ऑफ द कोऑपरेटिव सोसाइटी। तो ये मेंबर है, इस मेंबर की कोई कैटल होगी, इस मेंबर की कोई कैटल होगी, तो मैं बना देता हूं ये कैटल है। तो इस मेंबर की कैटल की लाइफ पे इस फेडरल सोसाइटी ने क्या करा है? इंश्योरेंस प्रीमियम पे करा है। और ऐसा क्यों करा है? क्योंकि जो कोऑपरेटिव सोसाइटी है ये इसको दूध सप्लाई करती है। समझ में आई कहानी? एक कोऑपरेटिव सोसाइटी है, उसकी कोई मेंबर है, उसके पास क्या है, गाय है मान लो। अच्छा, ये क्या करती है, जो मेंबर है ना, ये जो मेंबर कोऑपरेटिव सोसाइटी है ये इस बड़ी वाली कोऑपरेटिव सोसाइटी को मिल्क सप्लाई करती है। तो बेसिकली जो बड़ी वाली कोऑपरेटिव सोसाइटी है उसने अपनी मेंबर की गाय पे क्या कर रखा है, इंश्योरेंस ले रखा है ताकि उसका बिजनेस इंटरप्ट ना हो। तो सरकार कहती है डिडक्शन अलाउ। पढ़ लेना इंग्लिश में, इंश्योरेंस प्रीमियम पेड बाय द फेडरल मिल्क कोऑपरेटिव सोसाइटी, मतलब बड़ी वाली सोसाइटी, ऑन द लाइफ ऑफ कैटल ओन बाय द मेंबर ऑफ द कोऑपरेटिव सोसाइटी। तो इस कोऑपरेटिव सोसाइटी की मेंबर की कोई कैटल की लाइफ पे हमने क्या ले रखा है, इंश्योरेंस ले रखा है, ठीक है। सो देखो, इंश्योरेंस प्रीमियम पेड बाय द कोऑपरेटिव सोसाइटी ऑन द लाइफ ऑफ कैटल ओन बाय द मेंबर ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटी, और ये कोऑपरेटिव सोसाइटी कौन सी है, प्राइमरी सोसाइटी एंगेज इन सप्लाई ऑफ मिल्क रेज बाय इट्स मेंबर टू सच फेडरल मिल्क कोऑपरेटिव सोसाइटी। मतलब ये जो कोऑपरेटिव सोसाइटी है ये बेसिकली मिल्क सप्लाई करती है किसको, इस बड़ी वाली कोऑपरेटिव सोसाइटी को। इसलिए इस बड़ी वाली कोऑपरेटिव सोसाइटी ने इस मेंबर की कैटल की लाइफ पे इंश्योरेंस ले लिया ताकि इसका बिजनेस इंटरप्ट ना हो। तो अगर ऐसा करा है तो डिडक्शन आपको अलाउ कर दिया जाएगा विदाउट एनी मॉनेटरी लिमिट्स। तो आपने जितना भी इंश्योरेंस पे करा है सब आपको अलाउ कर दिया जाएगा। तो अपना सेक्शन 36 इधर हो जाता है। अब अपन मूव ऑन करते हैं सेक्शन 37 पे। आई होप मैंने बहुत आसानी से आपको ये सारी चीजें समझाई होगी। तो बेसिकली अभी तक अपन ने सेक्शन बहुत सारे देखे जहां पर अपने को डिडक्शन मिलते हैं। स्पेसिफिकली सेक्शन 37 जनरल डिडक्शन है, ध्यान रखना जो भी बिजनेसेस का खर्चा होता है, ठीक है, जो ऊपर सेक्शन में कवर नहीं होता वो सारा का सारा 37 में आ जाता है। तो 37 को अपन रेसिडुअल सेक्शन भी कहते हैं। ऑलराइट, देखो कंडीशन दे रखी है कि 37 के अंदर अगर आपको कोई भी खर्चा क्लेम करना है तो आपकी कंडीशन है, सबसे पहला वो रेवेन्यू नेचर का खर्चा होना चाहिए, नंबर टू बिजनेस एंड प्रोफेशन से रिलेटेड होना चाहिए, मतलब पर्सनल खर्चा नहीं होना चाहिए, एंड नंबर थ्री खर्चा लीगल होना चाहिए, इलीगल खर्चा नहीं होना चाहिए। फॉर एग्जांपल अगर आपने गुंडे को पेमेंट कर दिया तो वो लीगल खर्चा नहीं है। तो देखो क्या दे रखा है, एक्सपेंसेस अदर देन द अबव कवर्ड, जो भी एक्सपेंसेस हैं जो ऊपर कवर नहीं हो रहे वो सारे के सारे अपने को 37 में मिल जाएंगे। बट कंडीशन क्या है कि भाई सबसे पहला वो रेवेन्यू नेचर का खर्चा होना चाहिए, कैपिटल नहीं होना चाहिए, पर्सनल नहीं होना चाहिए, एंड लीगल होना चाहिए। राइट, तो आप कुछ एग्जांपल्स देते हैं जो एग्जाम्स में बहुत बार टेस्ट कर चुका है ये। देखो डिविडेंड और डीडीटी, जो डिविडेंड होता है, जो डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स होता है, राइट, वो आपको एज अ डिडक्शन नहीं मिलेगा, वो खर्चा नहीं होता। बेसिकली आपको पता है कि जब मेरा प्रॉफिट निकल के आ जाता है, प्रॉफिट निकलने के बाद मैं क्या करता हूँ, डिविडेंड पे करता हूँ। तो डिविडेंड और डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स आपका एक्सपेंस नहीं है, उसको आप एज एक्सपेंस क्लेम नहीं कर सकते। सीक्रेट कमीशन, राइट, पेमेंट टू गुंडास, ये क्या है, इलीगल खर्चा है, आपको अलाउ नहीं करा जाएगा। देन वी हैव सीएसआर एक्सपेंसेस, सीएसआर एक्सपेंसेस आपको अलाउ नहीं होंगे। सीएसआर का मतलब क्या है, कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, आपने पढ़ रखा होगा कंपनीज एक्ट में, ठीक है, एक सेक्शन, अगर एक सेक्शन की कंडीशंस फुलफिल कर देते हो तो आपको क्या करना पड़ता है, सोसाइटी के लिए कुछ खर्चे करने पड़ते हैं। तो सरकार सेट की भाई जो आपका सीएसआर का खर्चा करोगे वो एज ए एक्सपेंस अलाउ नहीं होगा, उस पर हम आपको प्रॉफिट कम करने नहीं देंगे। बट एक चीज ध्यान रखना, सीएसआर का खर्चा विच इज ऑफ द नेचर डिस्क्राइब इन 32-36 मतलब ने जो ऊपर सारे सेक्शंस पढ़े, तो सीएसआर कोई ऐसा खर्चा है जो ऊपर से रिलेट करता है, मतलब फॉर एग्जांपल आपने सीएसआर से रिलेटेड कोई रेंट पे करा है, ठीक है, सीएसआर से रिलेटेड कोई रेंट पे करा है तो रेंट ऊपर कवर हो जाएगा ना। तो सरकार कहती है कि सीएसआर खर्चा विच इज ऑफ द नेचर डिस्क्राइब इन 32-36 शैल बी अलाउड एज डिडक्शन।
अंडर दो सेक्शन सब्जेक्ट टू फुलफिलमेंट ऑफ कंडीशंस इफ एनी स्पेसिफाइड दे रहे हैं, तो सीएसआर का खर्चा आपको अलाउ नहीं है। लेकिन अगर सीएसआर का खर्चा 32-36 के नेचर में फॉलो करता है, सीएसआर का खर्चा अगर 32-36 के नेचर में फॉलो करता है तो उधर आपको डिडक्शन मिल जाएगा, आपको इधर डिसअलाउंस नहीं होगा। तो बनी पड़ा कि सीएसआर खर्चा आपको नहीं मिलता, लेकिन अगर सीएसआर के खर्चे का नेचर इस तरह से है कि वो सेक्शन 32-36 की कंडीशन को फुलफिल कर रहा है तो उधर आपको डिडक्शन दे दिया जाएगा। अब देखना, कंट्रीब्यूशन टू इलेक्ट्रल ट्रस्ट अदर डोनेशन नॉट अलाउड, मतलब बेसिकली क्या कह रहे हैं ये, इलेक्ट्रल ट्रस्ट मतलब पॉलिटिकल पार्टी के जो ट्रस्ट होते हैं उसमें आपने डोनेशन कराए, आपको जो है खर्चा अलाउ नहीं करा जाएगा। एक्सपेंसिस फॉर एडवर्टाइजमेंट इन सोवेनर ब्रोचर पैम्पलेट एक्सेट्रा पब्लिश बाय द पॉलिटिकल पार्टी नॉट अलाउड। इसी कहानी समझना, मैं एक बिजनेस कर रहा हूँ, ठीक है, एक पॉलिटिकल पार्टी मेरे पास आई कि भाई मुझे तो पैसा दो, अगर पैसा नहीं दोगे तो मैं तुम्हारा बिजनेस तहस नहस कर दूंगी। तो एक बिजनेसमैन पे एक जिम्मेदारी आ जाती है, एक बिजनेसमैन की मजबूरी होती है कि उसको क्या करना पड़ता है, पैसा कंट्रीब्यूट करना पड़ता है पॉलिटिकल पार्टी को, अदरवाइज हो सकता है पॉलिटिकल पार्टी उसके बिजनेस ही खत्म कर दे। तो पॉलिटिकल पार्टी को पैसा चाहिए था, अब किस नाम से दिखाया जाए, अपन को तो खर्चा भी क्लेम करना है। तो देखो बिजनेसमैन ने एक तरीका निकाला, बिजनेसमैन ने पॉलिटिकल पार्टी को बोला कि भाई जब आप रैली वैली निकालोगे ना, अपनी जब रैलीज निकालोगे तो उसमें मेरे बिजनेस का एडवर्टाइजमेंट कर देना, मेरे बिजनेस का नाम लिख देना, ऐसा कर देना वैसा कर देना, और मैं आपको उसके बदले में पैसा दिखा दूंगी, उसके बदले में पैसा दे दूंगी और दिखा दूंगी बुक्स में मैंने क्या करा है, एडवर्टाइजमेंट करवाया है इसलिए मैंने आपको पैसा दिया है। तो बिजनेसमैन ने क्या करा, एक तरीका निकाला जिससे कि वो पॉलिटिकल पार्टी को फंडिंग कर सके, और वो तरीका क्या था कि भाई आप क्या करो, अपने जो रैली होती है रैली में जो आपके बैनर्स होते हैं उसमें मेरा नाम लिख देना, और मैं सरकार को बोल दूंगी, कंपनी बोली, मैं सरकार को बोल दूंगी कि आपने मेरे लिए एडवर्टाइजमेंट करा था इसलिए मैंने आपको पैसा दिया है। तो सरकार ने फिर बाद में जाकर क्या करा, इसको बंद कर दिया कि भाई अगर आप क्या कर रहे हो, एक्सपेंडिचर दिखा रहे हो फॉर एडवर्टाइजमेंट इन सोवनर ब्रोचर पैम्पलेट एक्सेट्रा पब्लिश बाय द पॉलिटिकल पार्टी का दिखा रहे हो तो आपको खर्चा अलाउ नहीं होगा, वो खर्चा आपको अलाउ नहीं करा जाएगा। बाद में जाकर आप पढ़ोगे कि भाई जो आप ये खर्चा कर रहे हो ना, कि सेक्शन 80GGB चैप्टर 6A के जो डिडक्शन है वहां पर खर्चा अलाउ कर दिया जाता है, लेकिन PGBP के हेड से एक बार को हमने हटा दिया ताकि पॉलिटिकल पार्टी को फंडिंग ना मिल सके, इजी है। अब देखो चीज देखना, प्रोविजन फॉर लॉस ऑफ सब्सिडी, मैंने आपको बताया था प्रोविजन फॉर बैड डेट अलाउड नहीं है, इसी तरह से प्रोविजन फॉर इनकम टैक्स, प्रोविजन फॉर डिफर्ड टैक्स, प्रोविजन फॉर डिमिनिशन इन द वैल्यू ऑफ एसेट, प्रोविजन फॉर लॉस ऑफ सब्सिडी, प्रोविजन फॉर अनसर्टेन लायबिलिटी, ये भी अलाउड नहीं होगा। मतलब किसी भी तरह का प्रोविजन बना के आप अपने प्रॉफिट को कम नहीं कर सकते, किसी भी तरह का प्रोविजन बना के आप अपने प्रॉफिट को कम नहीं कर सकते। AS और इंडिया से बहुत सारे अपने को लॉसेस बुक करने पड़ते हैं, बहुत से प्रोविजन बनाने पड़ते हैं, इनकम टैक्स में बहुत सारे प्रोविजन अलाउड नहीं है, आपको टैक्स पे करना ही पड़ेगा। अच्छा एक और चीज देखना, प्रोविजन बेस्ड ऑन फेयर एस्टिमेट एंड रीजनेबल सर्टेनिटी एज पर ICDS अलाउड है। अच्छा आपने कोई प्रोविजन बनाया जो फेयर एस्टिमेट था, ठीक है, मतलब फेयर एस्टिमेट का मतलब है कि इतना तो प्रोविजन बनना ही चाहिए था, जो फेयर एस्टिमेट है अननेसेसरी नहीं है उतना आपको अलाउ कर दिया जाएगा। तो प्रोविजन बेस्ड ऑन फेयर एस्टिमेट एंड रीजनेबल सर्टेनिटी आपको जो है एज अ डिडक्शन मिल जाएगा। आपने उसमें पढ़ा होगा कंटिन्यू लाइबिलिटी के केस में कि आपने कोई प्रोडक्ट बेचा तो आप वारंटी का प्रोविजन बनाते हो, तो वारंटी का प्रोविजन अगर आपने फेयर एस्टिमेट के बेसिस से बनाया है तो आपको अलाउ कर दिया जाएगा, वो ऊपर वाली कैटेगरी में फॉल नहीं करेगा। तो ऊपर हम बात करें कि भाई आप क्या प्रोविजन बना रहे हो, प्रोविजन फॉर लॉस ऑफ सब्सिडी बना रहे हो, प्रोविजन फॉर डिफर्ड टैक्स या इनकम टैक्स बना रहे हो, प्रोविजन फॉर द डिमिनिशन इन द वैल्यू ऑफ एसेट बना रहे हो, प्रोविजन फॉर अनसर्टेन लायबिलिटी आपने बना दिया, तो किसी भी तरह का फालतू प्रोविजन हम अलाउ नहीं करेंगे, मतलब आप अपने प्रॉफिट में से इतने अमाउंट को कम नहीं कर सकते। ऑलराइट, देखना शेयर इशू एक्सपेंस, आपने शेयर इशू करे मतलब जो IPO FPO होता है ना, IPO लेके आया FPO लेके आया उसके लिए जो खर्चा हुआ वो आपको अलाउ नहीं करा जाता। शेयर इशू एक्सपेंस आपका क्या है, कैपिटल नेचर का खर्चा माना जाता है, और सेक्शन 37 में अपने पढ़ रखा है कि भी कैपिटल नेचर का खर्चा अलाउ नहीं होता, रेवेन्यू नेचर का खर्चा अलाउ होता है। तो शेयर इशू एक्सपेंस अगर आपने इनकर कराया फॉर IPO FPO राइट इशू आपको खर्चा अलाउ नहीं करा जाएगा। लेकिन ध्यान रखना अगर बायबैक है या बोनस इशू है तो उस केस में खर्चा आपको अलाउ कर दिया जाएगा, इसको आपको ध्यान रखना पड़ेगा। इधर एक चीज रखिए, अदर एंड प्रीलिमिनरी, तो फॉर एग्जांपल अगर आपने क्या करा है, बिजनेस को एक्सटेंड करा है नया बिजनेस खोला है या फिर एक नई यूनिट डाली है, तो उसके इसमें अपने प्रीलिमिनरी खर्चा सेक्शन 35D पढ़ा था, वहां पर आपने देखा था कि भाई जो भी प्रीलिमिनरी खर्चा होता है उसका आपको 5 साल में डिडक्शन दे दिया जाता है। तो शेयर इशू एक्सपेंस अगर प्रीलिमिनरी खर्चे से रिलेटेड है तो उसका तो डिडक्शन आपको 35D में मिल जाएगा, उसके अलावा जो भी एक्सपेंस बचते हैं वो उधर डिसअलाउ हो जाएंगे, उसके अलावा जो भी खर्चे बचते हैं वो उधर डिसअलाउ कर दिए जाएंगे। अब देखना मैंने आपको बताया था किसी भी तरह का प्रोविजन अलाउ नहीं होता, सो प्रोविजन फॉर ग्रेच्युटी, ग्रेच्युटी का जो प्रोविजन होता है, रिटायरमेंट बेनिफिट का जो प्रोविजन होता है, ये भी आपको अलाउ नहीं करा जाएगा, तो प्रोविजन फॉर ग्रेच्युटी भी आपको अलाउ नहीं है। सो प्रोविजन फॉर ग्रेच्युटी इवन बेस्ड ऑन एक्चुअल वैल्यूएशन, एक्चुअल मतलब प्रोफेशनल ने आपको जो है प्रोविजन निकाल के दे दिया तो भी आपको डिसअलाउड है। अपन ऊपर एक चीज पड़ी थी कि भाई फेयर एस्टिमेट पर अगर आप प्रोविजन बनाते हो, फेयर एस्टिमेट पर अगर आप प्रोविजन बनाते हो तो अलाउड है, लेकिन फेयर एस्टिमेट का प्रोविजन ऑफ ग्रेच्युटी वो तो डिसअलाउड है, स्पेसिफिकली सरकार ने डिसअलाउ कर रखा है। तो प्रोविजन फॉर ग्रेच्युटी इवन बेस्ड ऑन एक्चुअल वैल्यूएशन नॉट अलाउड, ठीक है, ओनली ग्रेच्युटी एक्चुअली पेड अलाउड। मतलब फॉर एग्जांपल कोई एम्प्लॉय आपका करंट ईयर में रिटायर हो रहा है और आपको बताया उसको आपको जो है 1 करोड़ रुपए रिटायरमेंट बेनिफिट देना पड़ेगा, तो अगर आपने उसका प्रोविजन बनाया है तो कोई दिक्कत नहीं, वो तो वैसे भी खर्चा बुक होना ही है, तो एक्चुअल में जो ग्रेच्युटी पे हो रही है उसका प्रोविजन बना सकते हो, लेकिन आप फालतू में कोई भी प्रोविजन ग्रेच्युटी का बना के अपना प्रॉफिट कम नहीं कर सकते। तो मैंने देखा प्रोविजन फॉर ग्रेच्युटी अलाउड है, प्रोविजन फॉर ग्रेच्युटी डिसअलाउड है, लेकिन अगर ग्रेच्युटी एक्चुअल में पेबल है ड्यूरिंग द ईयर, आपको बताया कि भाई मुझे पे करनी है और उसका आपने प्रोविजन बनाया तो आपको खर्चा अलाउ कर दिया जाएगा। फिर देखना डिवेंचर इशू एक्सपेंसेस, आपने डिवेंचर इशू करे, डिवेंचर इशू एक्सपेंसेस सरकार ने कहा बिल्कुल अलाउड है, कोई दिक्कत नहीं है।
अच्छा डिस्काउंट ऑफ द इश्यू ऑफ डिबेंचर्स बिल्कुल अलाउड है। तो इसके बाद रेगुलराइजेशन है कंपाउंडिंग फी, आपने जो है कोई कांड वांड कर दिया उसके बदले में आपने क्या करा, सरकार को पैसा दे दिया रेगुलराइजेशन फी के नाम से कि भाई ये लो पैसा लो माफ कर दो, सरकार ने कहा नॉट अलाउड। देखना पेमेंट टू कंसल्टेंट फॉर ओपनिंग ओपिनियन ऑन न्यू बिजनेस, आपको नया बिजनेस चालू करने वाले हो उसके लिए आपने क्या करा कंसल्टेंट का ओपिनियन लिया, सरकार कहती है ये जो है कैपिटल नेचर का खर्चा है, क्या है ये जो है बेसिकली कैपिटल नेचर का खर्चा है, आपको डिडक्शन हम नहीं देंगे, ये बेसिकली कैपिटल नेचर का खर्चा है हम आपको डिडक्शन नहीं देंगे। अच्छा देखना एक्सपेंडिचर इनकर्ड ऑन हार्ट सर्जरी ऑफ द इंडिविजुअल, एक बात बताओ इंडिविजुअल की हार्ट सर्जरी का खर्चा बिजनेस से रिलेटेड कैसे हो सकता है, वो तो पर्सनल खर्चा है तो नॉट अलाउड। फिर देखना एक्सपेंडिचर इनकर्ड ऑन प्रोजेक्ट, कोई प्रोजेक्ट है उस पर आपने एक्सपेंडिचर इनकर करा जो एक्जिस्टिंग बिजनेस से रिलेटेड नहीं है, जो एक्जिस्टिंग बिजनेस से रिलेटेड नहीं है एंड प्रोजेक्ट वॉज अबैंडन्ड, आपने जो किसी नए प्रोजेक्ट पे क्या करा काम करना चालू करा एक्सपेंडिचर करा जो एक्जिस्टिंग बिजनेस से रिलेटेड नहीं करता, तो सरकार कहती है कि भाई वो खर्चा अलाउ नहीं करा जाएगा जब आपने क्या करा प्रोजेक्ट को अबैंडन्ड कर दिया। ठीक है तो आपने कोई प्रोजेक्ट को अबैंडन्ड कर दिया तो सरकार ये मानती है कि कैपिटलचर का खर्चा है इसको हम अलाउ नहीं करेंगे, लेकिन एक्सपेंडिचर इनकर्ड ऑन द प्रोजेक्ट नॉट, अगर वो रिलेटेड होता इसको मैं हटा देता हूं, अगर वो क्या होता रिलेटेड होता, अगर रिलेटेड टू द एक्जिस्टिंग बिजनेस होता, अगर रिलेटेड टू द एक्जिस्टिंग बिजनेस होता एंड फिर प्रोजेक्ट अबैंडन कर दिया जाता तो खर्चा अलाउ हो जाता, तो खर्चा कब अलाउ नहीं है जब आपने कोई खर्चा कराए किसी नए प्रोजेक्ट पे जो बिजनेस से रिलेट नहीं करता। इजी ये वाला आपने देख लिया हार्ट सर्जरी वाला पॉइंट, आगे बढ़ते हैं अपन। देखो कमीशन पेड टू डॉक्टर्स बाय द डायग्नोस्टिक सेंटर फॉर रेफरिंग पेशेंट्स फॉर डायग्नोसिस, मैं डॉक्टर के पास गया, डॉक्टर ने बोला कि भाई एक्सरे कराना पड़ेगा, डॉक्टर ने बोला कि भाई ये मैं आपको दुकान का एड्रेस देता हूँ आप इसी बंदे के पास जाके एक्सरे कराना। अच्छा वो ऐसा क्यों कर रहा है, क्योंकि वो जो एक्सरे वाला बंदा है वो डॉक्टर को कमीशन दे रहा है, तो सरकार कहती है कि भाई ऐसे कांड नहीं चलेंगे, डॉक्टर का काम है पेशेंट को बचाना, डॉक्टर का काम ये नहीं है कि भाई पेशेंट को रेफर करके पैसा कमाना। तो कमीशन पे टू डॉक्टर्स, आप एक डायग्नोस्टिक सेंटर हो आप एक्सरे करते हो पेशेंट्स का, आपने सरकार को आपने डॉक्टर को कमीशन दिया है, किस बात का कमीशन दिया कि भाई पेशेंट को मेरे पास भेजना, तो सरकार कहती है ये डिसअलाउ ये खर्चा हम अलाउ नहीं करेंगे आप गलत काम कर रहे हो नॉट अलाउड। फिर देखना फ्रीबीज प्रोवाइडेड बाय द फार्मास्यूटिकल कंपनी टू द डॉक्टर्स नॉट अलाउड, इसका मतलब क्या है भाई मैं मेरी शॉप मेडिसिन की मैंने डॉक्टर को बोला देखो ये फ्री में मेडिसिन रखो अपने पेशेंट को चिपकाना, ये तो सरकार कहती है भाई ऐसा भी नहीं चलेगा, डॉक्टर का काम है पेशेंट को बचाना, डॉक्टर का काम आपका प्रमोशन करना नहीं है, तो आपने क्या करा फ्री में क्या दे दिया फ्री में मेडिसिन दे दी किसको डॉक्टर को दे दी ताकि डॉक्टर आपका प्रमोशन कर दे, तो जब डॉक्टर पेशेंट को रेफर करेगा तो बोलेगा ये वाली दवाई खाना, तो सरकार ने कहा ये भी खर्चा अलाउ नहीं करा जाएगा, ये वाला खर्चा भी आपको जो बेसिकली अलाउ नहीं करा जाएगा। आगे बढ़ते हैं एक्सपेंस ऑन की मैन इंश्योरेंस पॉलिसी, अपन ऊपर देखा था एक्सपेंस ऑन की मैन इंश्योरेंस पॉलिसी अलाउड है, एक और चीज पढ़ना कोर्ट्स हैव हेल्ड दैट द की मैन इंश्योरेंस पॉलिसी इज नॉट कन्फाइंड टू द पॉलिसी टेकन फॉर एन एम्प्लॉई। ठीक है की मैन इंश्योरेंस पॉलिसी इज नॉट कन्फाइंड टू द पॉलिसी टेकन फॉर एन एम्प्लॉई बट ऑल्सो एक्सटेंड टू द इंश्योरेंस पॉलिसी टेकन विद रिस्पेक्ट टू द लाइफ ऑफ अनदर पर्सन हु इज कनेक्टेड इन एनी मैनर व्हाटएवर विद द बिजनेस ऑफ द सब्सक्राइबर एसएससी। मतलब बेसिकली सरकार कहना चाहती है कि भाई की मैन इंश्योरेंस पॉलिसी की मैन का मतलब ये नहीं कि वो आपका एम्प्लॉई हो, कोई भी ऐसा बंदा जो आपके बिजनेस से कनेक्टेड है एंड बिजनेस में एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है उसके लिए आप इंश्योरेंस भी कराए खर्चा आपको अलाउ कर दिया जाएगा एज अ की मैन इंश्योरेंस पॉलिसी। देखो क्या दे रखा है सिक्योरिटी ने क्लैरिफाई करा आप एक फर्म हो, फर्म ने क्या करा प्रीमियम पे कराया प्रीमियम पेड बाय द फर्म ऑन द की मैन इंश्योरेंस पॉलिसी ऑफ द पार्टनर टू सेफगार्ड द फर्म अगेंस्ट द डिसरप्शन ऑफ द बिजनेस इज एडमिसिबल खर्चा। ठीक है इजी है। देखो टैक्स ऑन नॉन मॉनेटरी परक्यूजिट ऑफ द एम्प्लॉइज पेड बाय द एम्प्लॉयर, ये अपन टीडीएस वाले सेक्शन में पढ़ेंगे कि भाई क्या होता है, जनरली होता ही है कि मैं एम्प्लॉयर हूँ मैंने अपने एम्प्लॉइज को नॉन मॉनेटरी परक्यूजिट दी, मैंने उसको कोई कार गिफ्ट कर दी। ठीक है कार गिफ्ट कर दी तो सरकार कहती है कि भाई इस कार को कार आपने जो गिफ्ट करी है सामने वाले की क्या है इनकम है, उसने फ्री उसको चीज फ्री में मिल गई है राइट, तो सामने वाले की इनकम है उसको टैक्स पे करना पड़ेगा। अच्छा तो सरकार एम्प्लॉयर को भी ऑप्शन देती है, एम्प्लॉयर को कहती है कि भाई आप उस नॉन मॉनेटरी परक्यूजिट पे नॉन मॉनेटरी परक्यूजिट पे खुद भी टैक्स पे कर सकते हो। ठीक है तो अगर एम्प्लॉयर को टैक्स पे करता है तो उसका उसको डिडक्शन नहीं मिलेगा। तो सरकार ने कहा कि भाई सरकार ने बेसिकली कहा कि भाई नॉन मॉनेटरी परक्यूजिट पे टैक्स अगर एम्प्लॉय ने पे कराए ऑन बिहाफ ऑफ एम्प्लॉइज तो खर्चा अलाउ नहीं करा जाएगा, और इसका पूरा इन डेप्थ में अपन जो है सेक्शन 192 पढ़ेंगे जब टीडीएस का, और आपको समझ में आएगा कि भाई एक्जैक्टली ये किस तरह से प्ले करता है। आपको पीजीबी में ध्यान रखना है कि भाई अगर एम्प्लॉय ने एम्प्लॉई को कोई नॉन मॉनेटरी परक्यूजिट दिया है उस पर कोई टैक्स बनता है और वो एम्प्लॉय ने पे कर दिया है तो उसका खर्चा उसको अलाउ नहीं करा जाएगा। फिर देखना स्पॉन्सरशिप फीस, आपने अपने बिजनेस से रिलेटेड कोई स्पॉन्सरशिप फी पे करिए खर्चा अलाउड है, आपने वेबसाइट डेवलप कराई है कॉर्पोरेट मेंबरशिप लिए क्लब की खर्चा अलाउड है, आपने देखो अपने एम्प्लॉय को एडवांस दिया था मैंने आपको बैडेट में समझाया था कि अगर आप क्या करते हो लोन देते हो तो लोन की एंट्री क्या पास करते हो आरजी अकाउंट डेबिट टू बैंक। ठीक है और फिर जब बैडेट हो जाता है तो आपने एंट्री क्या पास कर दी पीएनएल अकाउंट डेबिट टू आरजी, तो सरकार उधर खर्चा अलाउ नहीं करती क्योंकि वो कहती है कि भाई ये लोन है और लोन को आपने इनकम नहीं बनाया था इनिशियली, आपने एंट्री क्या पास करी थी आरजी अकाउंट डेबिट टू बैंक आरजी अकाउंट डेबिट टू सेल्स नहीं करी थी, लेकिन वो बात थी सेक्शन 36 ये सेक्शन 37 है, इसमें ये कह रहा है इसमें कंपनी सरकार ये कहती है कि भाई अगर आपने एडवांस दिया किसको अपने एम्प्लॉय को दिया है आपने एम्प्लॉय को एडवांस दिया एंट्री क्या पास करी होगी एम्प्लॉय अकाउंट डेबिट टू बैंक। ठीक है और वो बैडेट हो जाता है ठीक है तो भले ही वो 36 में अलाउड नहीं लेकिन वो 37 में अलाउ कर दिया जाएगा, लेकिन अपन किसकी बात करें सिर्फ और सिर्फ एम्प्लॉय की बात करें ध्यान रखना एडवांस गिवन टू एम्प्लॉय बैडेट हो जाएगा खर्चा नॉट अलाउड।
इसी तरह से देखो, आपने सिक्योरिटी डिपॉजिट दी लैंडलॉर्ड को, आपने किसी आपने कोई बिल्डिंग किराए पे ले ली, आपने उसको क्या करा, सिक्योरिटी डिपॉजिट दी, एंट्री क्या बात करी, लैंडलॉर्ड अकाउंट डेबिट टू बैंक, बाद में डेट हो जाती है तो क्या मुझे डिडक्शन मिलेगा? नहीं मिलेगा, नॉट अलाउड। इसके लिए और था सिर्फ और सिर्फ इंप्लॉय के लिए होता, लैंडलॉर्ड आपका इंप्लॉय नहीं है। ओके, आगे बढ़ते हैं, ये वाला पॉइंट हो गया। फिर एक चीज देखना, लॉस ऑफ इलीगल बिजनेस अलाउड फ्रॉम द प्रॉफिट्स ऑफ लीगल बिजनेस। ठीक है, तो अपन ऊपर देखा था इलीगल खर्चा अलाउड नहीं होता, सेक्शन 37 जब पढ़ रहे थे अपन ने क्या देखा था, देखो ये रहा, अपन जब सेक्शन 37 पढ़ रहे थे अपने तीन कंडीशन पढ़ी थी, रेवेन्यू होना चाहिए, पर्सनल नहीं होना चाहिए, ठीक है, और लीगल होना चाहिए, मतलब लीगल एक्सपेंस होना चाहिए, इलीगल एक्सपेंस नहीं होना चाहिए। इधर देखते हैं अपन, इधर क्या हो रहा है कि भाई इलीगल बिजनेस का लॉस, ये क्या है, इलीगल बिजनेस का लॉस है, एक्सपेंस नहीं है, लॉस है, अलाउड फ्रॉम द प्रॉफिट्स ऑफ लीगल बिजनेस। फॉर एग्जाम्पल भाई मैं क्या कर रहा हूँ, इंडिया में एक बिजनेस चला रहा हूँ, अच्छा मैं क्या करता हूँ, ड्रग्स का बिजनेस भी करता हूँ, अच्छा मैं बाहर से फॉरेन से क्या कर रहा हूँ, ड्रग्स इंपोर्ट करा रहा हूँ, कस्टम वाले ने मेरा ड्रग्स पकड़ लिया, मेरा लॉस हो गया, तो मेरा बिजनेस है ना वो इलीगल बिजनेस है, लेकिन बिजनेस तो है, वो कहते हैं ना गंदा है पर धंधा है, तो इलीगल बिजनेस है लेकिन बिजनेस तो है। तो सरकार ने कहा कि अगर आपका जो है स्टॉकिंग ट्रेड क्या ड्रग्स सीज कर लिए कस्टम अथॉरिटी, तो आपका लॉस है, उसको आप सेट ऑफ कर सकते हो, वो आपका खर्चा नहीं है, वो आपका एसआईटी का लॉस है, स्टॉकिंग ट्रेड का लॉस है, लॉस ऑफ इलीगल बिजनेस है। फिर देखना क्या पॉइंट दे रखा है, गुड्स कन्फिस्केटेड बाय द कस्टम अथॉरिटीज। कस्टम अथॉरिटीज बोले तो वही इंपोर्ट एक्सपोर्ट वाली अथॉरिटीज, उसने क्या करा आपके गुड्स को कन्फिस्केट कर लिया इन फॉरेन कंट्री ड्यू टू सर्टेन स्टेटूटरी वॉयलेशन। आपने क्या करा, स्टेटूटरी वॉयलेशन है, और अगर देखो एसआईटी का लॉस मैंने बताया ना, धंधा है पर धंधा है, मतलब अगर एसआईटी का बिजनेस लॉस है तो अलाउड है, ठीक है, एसआईटी का लॉस है तो क्या हो जाएगा, अलाउड कर दिया जाएगा। सो इलीगल खर्चा नहीं है, एसआईटी का लॉस लॉस ऑफ लीगल बिजनेस होता है, लॉस ऑफ इलीगल बिजनेस हो गया लेकिन आपको अलाउ कर दिया जाएगा। तो आपको ध्यान रखना पड़ेगा ऐसे कि गंदा है पर धंधा है, तो इलीगल खर्चे अलाउड नहीं होते, लेकिन अगर आपका कोई स्टॉकिंग ट्रेड सीज कर लिया गया तो वो क्या है, लॉस ऑफ इलीगल बिजनेस है। नॉन कंप्लेंट फी, आई होप आप समझते हो, नॉन कंप्लेंट फी अलाउ कर दी जाएगी। आपने क्या करा, साइन बोर्ड बनाया, ग्लो साइन बोर्ड, उस पर खर्चा करा, अलाउड है। आईएसओ सर्टिफिकेट लिया, खर्चा अलाउड है। अच्छा घर पे आपके बिजनेस में चोरी हो गई, अलाउड है, जो भी चोरी से लॉस हुआ खर्चा अलाउ कर दिया जाएगा। फिर ना आप फिल्म विल बनाते हो, आपने फिल्म बनाई फिर उसको क्या करा, अबेंडन कर दिया। मैंने भाई मैंने बनाई, मैं सोचा यार अपन बनाएंगे मुन्ना भाई MBBS 3, मैंने बहुत पैसा लगाया और फिल्म अबेंडन कर दी, मैंने कि यार मन नहीं कर रहा अभी, ये चलेगी नहीं फिल्म, तो मैंने क्या करा, फिल्म बनाई, फिल्म को अबेंडन कर दिया। अच्छा उसका जो भी खर्चा हुआ वो आपको जो है डिडक्शन मिल जाएगा, उसका जो भी खर्चा हुआ आपको डिडक्शन दे दिया जाएगा। जो क्या रखा है, एक्सपेंडिचर ऑन अबेंडन फिल्म इज नॉट टू बी ट्रीटेड एज कैपिटल खर्चा, उसको रेवेन्यू खर्चा मानते हुए आप क्या कर सकते हो, एक्सपेंडिचर क्लेम कर सकते हो। फिर देखना आपने क्या करा, कोई कॉन्ट्रैक्ट ब्रीच कर लिया, मैंने सप्लायर को बोला कि भाई देखो मैं तुम्हें क्या करूंगा, माल बेचूंगा, अगर मैं नहीं बेच पाया तो मैं आपको पेनल्टी दे दूंगा। तो सरकार ने कहा क्या है, आपने कॉन्ट्रैक्ट बीच कराया, बिजनेस का कॉन्ट्रैक्ट बीच कराया, तो आप पेनल्टी पे करो, वो खर्चा अलाउ कर दिया जाएगा। लेकिन आपने सरकार के लॉस का वायोलेशन करा, सरकार ने कहा था कि भाई आप जो है सड़क पे मूत नहीं सकते, और आप जो है सड़क पे खुला मूत रहे हो, फिर आपको पेनल्टी पे कर दी, ना ना ना। तो पेनल्टी फॉर इन्फेक्शन वायोलेशन या ब्रीच ऑफ लॉ, आपने क्या करा, लॉ ब्रीच कर दिया, ठीक है, आपने क्या करा, लॉ ब्रीच कर दिया, तो सरकार कहती है कि भाई ये वाला बिजनेस, ये वाला जो आप पेनल्टी पे करो, ये हम अलाउ नहीं करेंगे, नॉट अलाउड। इजी है, तो आपने क्या करा, कोई लॉ ब्रीच करा, सरकार का बना हुआ कोई लॉ ब्रीच करा, सरकार सरकार बोलती है पानी में रह के मगरमच्छ से बैर हमसे मंगा लेते हो, नॉट अलाउड, जो पेनल्टी पे करोगे नॉट अलाउड। अच्छा इधर क्यों अलाउ कर दी गई थी, क्योंकि इधर क्या है, ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट है, हमने कोई लॉ ब्रीच नहीं करा, सरकार का लॉ ब्रीच नहीं करा, हमने तो सप्लायर से कॉन्ट्रैक्ट करा था, फुलफिल नहीं कर पाई, पेनल्टी पे करनी पड़ी, ठीक है अलाउ कर दिया जाएगा। लास्ट टॉपिक देखते हैं, एक तो है डायरेक्ट टैक्स और एक क्या होता है इनडायरेक्ट टैक्स, बोले तो जीएसटी कस्टम्स एंड सेल्स टैक्स। सबसे पहले बात करते हैं टैक्स एडवांस टैक्स एंड टीडीएस। अब मुझे बताओ आपने क्या करा, सब कुछ फॉलो, सबकी गाइडलाइंस फॉलो करते हुए प्रॉफिट निकाला, सब कुछ फॉलो करते हुए सारी गाइडलाइंस को फॉलो करते हुए क्या निकाला, प्रॉफिट निकाला, उस प्रॉफिट में आपने सरकार को टैक्स पे कर दिया, आपका प्रॉफिट है 100 रुपये, टैक्स बनता है आपका 30%, कितना 30 रुपये। तो बेसिकली जो आपका टैक्स है ये आपका खर्चा नहीं है, तो आपको प्रॉफिट 100 रुपये पे ही टैक्स देना पड़ेगा, ठीक है। तो सरकार ने कह दिया कि भाई क्या है, टैक्स हो गया आपका, आपका जो टैक्स है, आपका जो एडवांस टैक्स है, आपका जो टीडीएस है, वो आपका खर्चा नहीं है। टीडीएस क्या होता है, अपन टीडीएस के वाले चैप्टर में करेंगे, अगर आपको समझ में आता है टीडीएस क्या है, अच्छी बात है। एडवांस टैक्स का मतलब है सरकार कहती है कि भाई आपको एडवांस में टैक्स जमा कराना पड़ेगा, वो भी अपन एडवांस टैक्स अलग से टॉपिक करेंगे, इन दिन आपको सब समझ में आएगा। तो टैक्स एडवांस टैक्स टीडीएस आपका खर्चा नहीं है, नॉट अलाउड। अच्छा इस तरह से आपने टैक्स पे नहीं करा, सरकार ने पकड़ लिया, सरकार आपसे इंटरेस्ट चार्ज कर रही है, तो उसका भी जो आप इंटरेस्ट पे कर रहे हो एक्स्ट्रा, नॉट अलाउड। तो देखो इंटरेस्ट इंक्लूडिंग इंटरेस्ट ऑन टीडीएस एंड एडवांस टैक्स नॉट अलाउड, ठीक है। तो डायरेक्ट टैक्स में ना तो आपको टैक्स अलाउड होगा ना उसका इंटरेस्ट अलाउड होगा। आगे बढ़ते हैं पेनल्टी, सरकार का टैक्स बनता है 30 रुपये, आपने पे नहीं करा, सरकार ने आपसे पेनल्टी लगा दी, क्या इस पेनल्टी का भी मैं डिडक्शन ले सकता हूँ? नहीं, ये भी खर्चा नॉट अलाउड। ये तो हो गई डायरेक्ट टैक्स की बात, अब बात करते हैं इनडायरेक्ट टैक्स की। जो जीएसटी की बात कर रहा हूँ ना, तो जीएसटी में जो अपन टैक्स पे करते हैं वो तो आपका अलाउड होता ही है, इनडायरेक्ट टैक्स में पढ़ते ही हो।
अच्छा इनडायरेक्ट टैक्स जीएसटी कस्टम सेल्स टैक्स पे अगर आपने टैक्स पे नहीं करा उस पर ब्याज लग रहा है, इनडायरेक्ट टैक्स में आपने सेक्शन 50 पढ़ा होगा जिसमें 18% ब्याज देना पड़ता है आपको, वो 50 अलाउ कर दिया जाए। अच्छा पेनल्टी है, पेनल्टी तो वैसे भी नॉट अलाउड है, क्यों पेनल्टी नॉट अलाउड है देखो ये नहीं ना, आपने लॉ ब्रीच करा या पानी में रहकर मगरमच्छ से बैर करा है, पानी में रहकर आपने मगरमच्छ से बैर करा है नॉट अलाउड। तो बेसिकली आपको इतना ध्यान रखना है कि भाई जो मेरा डायरेक्ट टैक्स है उसमें टैक्स इंटरेस्ट और पेनल्टी तीनों क्या है नॉट अलाउड है, इनडायरेक्ट टैक्स में दोनों अलाउड है पेनल्टी नॉट अलाउड। इजी। तो अपना यहाँ पर सेक्शन 37 खत्म होने आया। अब देखना मैंने आपको बताया टीडीएस क्या होता है, सॉरी मैंने आपको बोला कि टीडीएस अपन बाद में जाके पढ़ेंगे। तो बेसिकली आप जो भी टीडीएस काटते हो, जो भी सामने वाले बंदे का टीडीएस काटते हो, उसके लिए आपको क्या करना पड़ता है, एक क्वार्टरली स्टेटमेंट फाइल करना पड़ता है। ठीक है, एक क्वार्टरली स्टेटमेंट जाता है टीडीएस, जो भी आप काटते हो उसका एक क्वार्टरली स्टेटमेंट जाता है। ये अपन टीडीएस वाले चैप्टर में बहुत अच्छी तरह करेंगे। तो फॉर एग्जाम्पल आपने उस टीडीएस स्टेटमेंट को क्वार्टरली फाइल लेट करा तो उस पर जो फीस लगती है सरकार कहती है कि ये आपका इंटरेस्ट नहीं है, ये आपकी पेनल्टी नहीं है, आप जो है क्या करो फीस को लेट फाइल करो, खर्चा आपको अलाउ कर दिया जाएगा। जैसे इनडायरेक्ट टैक्स में रिटर्न्स होती है ना, इनडायरेक्ट टैक्स में जीएसटी 1, 3 और ये सब फाइल करते हो, अगर आप लेट फाइल करी तो फी पेनल्टी लगती है 100 रुपये पर डे ऐसा। तो वैसे ही टीडीएस है, आपने टीडीएस का स्टेटमेंट टाइम से फाइल नहीं करा, डिले फाइल करा, उस पर जो फीस लग रही है सरकार कहती है अलाउड है, कोई दिक्कत नहीं है। देखो अब बात करते हैं अपन रिफंड ऑफ डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट टैक्स की, क्या हुआ रिफंड ऑफ डायरेक्ट टैक्स एंड इनडायरेक्ट टैक्स। अच्छा मुझे एक चीज बताओ, जब आपने डायरेक्ट टैक्स पे करा था, जब आपने डायरेक्ट टैक्स पे करा था आपने 100 रुपये का क्या करा था, 100 रुपये की आपने प्रॉफिट कमाया, 100 रुपये का आपने प्रॉफिट कमाया, उसका टैक्स कितना बनता है आपका, टैक्स बनता है कितना 30 रुपये, तो आपने 70 रुपये अपने घर पे ले गए। ठीक है, ये लिख देता हूँ मैं, घर कैसा होता है, घर ऐसा होता है। तो 100 रुपये आपने प्रॉफिट कमाया, 100 रुपये आपने प्रॉफिट कमाया, 30 रुपये आप 30 रुपये आपने टैक्स पे करा, 70 रुपये घर पे ले गए। ठीक है, अच्छा टैक्स कितने पे कराया आपने, लॉजिकली देखोगे तो आपने टैक्स 100 रुपये पे कराया, 100 का 30% कितना 30 रुपये, आपने 100 रुपये पे टैक्स पे कराया। अच्छा मुझे एक चीज बताओ, जब आपने ये टैक्स पे कराया आपको रिफंड कर दिया गया, ये रिफंड कर दिया गया, क्या इस पे वापस टैक्स ले लिया हम, बिल्कुल नहीं, वापस टैक्स भी लेंगे हमने पहले 100 रुपये पे, 100 रुपये में 30 भी तो इंक्लूडेड था ना, 100 रुपये में 30 भी तो इंक्लूडेड था ना। तो सरकार ने कहा कि भाई देखो जब आपने 100 रुपये पे टैक्स पे कर दिया तो जब ये टैक्स वापस रिफंड हो रहा है आपको, ये टैक्स आपको वापस रिफंड हो जाता है, आपको वापस टैक्स नहीं लेंगे हम, पहले हम टैक्स ले चुके हैं आपसे, एक ही बार टैक्स लेंगे। अच्छा टैक्स कैसे ले चुके हैं, देखो ये ना टैक्स पहले ले तो लिया था, टैक्स ले तो लिया था, अब ये पैसा रिफंड हो गया तो वापस थोड़ी टैक्स लेंगे। तो सरकार ने कहा कि भाई अगर आपका इनकम टैक्स रिफंड होता है तो वो टैक्सेबल नहीं होगा, लेकिन जीएसटी रिफंड हो जाता है, जीएसटी टैक्स रिफंड हो जाता है। तो मुझे एक बात बताओ, जब जीएसटी का आपने टैक्स पे करा था क्या करा था, उसको खर्चा क्लेम करा था, अपने प्रॉफिट में से रिड्यूस करके कम टैक्स पे करा था, तो जीएसटी का जब टैक्स रिफंड होता है तो सरकार कहती है कि ये टैक्सेबल कर दिया जाएगा, ये क्या हो जाएगा टैक्सेबल हो जाएगा। लेकिन अगर आपने क्या करा, पैसा कस्टमर को रिफंड कर दिया, पैसा कस्टमर को रिफंड कर दिया तो टैक्सेबल नहीं होगा। ठीक है, बात समझ आ रही है। बेसिकली आपने कस्टमर से जीएसटी कलेक्ट करा, सरकार को पे कर दिया, आपने खर्चा क्लेम कर लिया, कस्टमर से जीएसटी कलेक्ट करा मैंने, इनडायरेक्ट टैक्स कलेक्ट करा, सरकार को पे कर दिया और डिडक्शन क्लेम कर दिया, अब मुझे वापस रिफंड मिला। अच्छा रिफंड मिला का मतलब ये है कि भाई मेरे पास वो पैसा आ गया तो टैक्स देना पड़ेगा मुझे। अच्छा मेरे पास पैसा नहीं आया, सरकार ने मुझे दिया, मैंने कस्टमर को दे दिया, तो ऐसा सोचो ना कि सरकार ने कस्टमर को दे दिया था तो भाई मुझे तो कुछ मिला ही नहीं, तो अगर मैंने पैसा कस्टमर को रिफंड कर दिया तो टैक्सेबल नहीं होगा, मैंने अपने पास तक किया तो मेरी इनकम हो गई, मुझे उस पर टैक्स देना पड़ेगा। तो यहाँ पर अपना सेक्शन 37 क्लियर हो गया, अपन सेक्शन 40 की सीरीज में चलेंगे। अभी तक अपन ने देखा कि भाई कौन कौन से खर्चे अलाउड हैं, सेक्शन 40, तो सेक्शन 40 ये अपने को बताता है भाई कौन कौन से खर्चे डिसअलाउड हैं, आप खर्चा ले नहीं सकते, इनएडमिसिबल एक्सपेंसेस, राइट। सो अपन नेक्स्ट लेक्चर में सेक्शन 40 की सीरीज चालू करेंगे, उससे पहले अगर मेरे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं करा तो प्लीज सब्सक्राइब कर दो, वीडियो को लाइक नहीं करा तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दो, मैं आपके लिए इतनी मेहनत कर रहा हूँ, आप एक लाइक तो बना ही सकते हो, राइट। अपने इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करना जो नवंबर 24 एंड मई 25 में अटेम्प्ट देने वाले हैं, बिकॉज एज आई सेड इतने अच्छे नोट्स आपको कहीं पे भी नहीं मिलेंगे मार्केट में। एंड लास्ट थिंग, ये नोट्स अगर आपको चाहिए तो टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लेना, लिंक आपको जो है डिस्क्रिप्शन के अंदर मिल जाएगी। ऑलराइट गाइस, ऑलराइट, बाय बाय।